हेलो और बच्चों बच्चों हेलो सर। आज जो है केमिकल बॉन्डिंग का लेक्चर नंबर 12 हम पढ़ेंगे। इसमें हम बात करेंगे सबसे पहले वांडर वाल फोर्स के बारे में। मतलब पिछले क्लास में हमने क्या पढ़ा था? हमने डाइपोल मोमेंट के बारे में पढ़ा था ना। पिछले क्लास में हमने डाइपोल मोमेंट के बारे में पढ़ा था। डाइपोल मोमेंट क्या होता है? अरे कुछ ऐसा हमने पढ़ा था ना कि अगर मान लो ये क्या है, ये आपका हाइड्रोजन है और ये क्लोरीन है। तो ये हाइड्रोजन है, ये क्लोरीन है। अब बताओ क्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितना होता है? 3। हाइड्रोजन का 2.1। सर अब ये क्या करेगा, ये क्लोरीन अपने मतलब हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ खींचेगा, अपने तरफ खींचेगा। इसका मतलब क्या होगा, इस पे एक डेल्टा माइनस आएगा और इस पे एक डेल्टा प्लस आएगा। ये हमने लास्ट क्लास में देखा था। और ये यस क्या सर बना रहा है, ये एक डाइपोल बना रहा है जिसका डायरेक्शन क्या होगा, ये प्लस से माइनस की तरफ इसका डायरेक्शन होगा। ठीक है। और हमने पढ़ा था कि जिसका डाइपोल जीरो होता है उसको बोलते हैं नॉन पोलर, और जिसका डाइपोल नॉट जीरो है उसको बोलते हैं पोलर। पोलर। ये हमने पढ़ा था। ठीक है। अब देखो ये डाइपोल जनरेट हो रहा, पिछले क्लास में डाइपोल को जनरेट करा दिया। लेकिन ये डाइपोल के बगल में अगर एक और डाइपोल आ जाए, अच्छा ये बताओ अगर एक ग्लास हम पानी पीते हैं उसमें कितने, एक ही पानी कितने मॉलिक्यूल होते हैं? एक ही मॉलिक्यूल होते हैं क्या, या एक से ज्यादा होते हैं? एक से ज्यादा होता है। एक से ज्यादा होता है ना। ऐसा थोड़ी कि एक ग्लास पानी है एक ही मॉलिक्यूल होगा, एक से ज्यादा मॉलिक्यूल होगा। ठीक है। तब बताओ ये HCl है और इसके बगल में HCl का एक और मॉलिक्यूल, HCl का एक और मॉलिक्यूल है। अब देखो यहाँ पे डेल्टा माइनस है और यहाँ पे डेल्टा प्लस, सिमिलरली यहाँ पे डेल्टा माइनस यहाँ डेल्टा प्लस, बोलो हो सकता है कि नहीं? यस ओके। अरे भाई चैट वेट कम करो, क्लास पे ध्यान ज्यादा दो, नहीं तो नहीं समझ में आएगा। ठीक है। इधर देखो, इधर देखो ये क्या है, HCl HCl। अब बताओ भाई ये माइनस और ये प्लस, ये दोनों आपस में अट्रैक्ट करेंगे कि नहीं एक दूसरे को? सर। यस सर। एक दूसरे को दोनों अट्रैक्ट करेगा ना। अब चूंकि ये अट्रैक्ट करेगा तो क्या है, एक अट्रैक्शन फोर्स लगेगा। और अगर अट्रैक्शन फोर्स है तो इस फोर्स का एक नाम भी हमको देना होगा। और इस फोर्स का हम नाम क्या देंगे, इसी फोर्स का हम नाम दे देंगे वांडर वाल फोर्स। क्या नाम दोगे? वंडरवॉल। क्योंकि ये फोर्स जो लगा है, क्या ये बॉन्ड बना ले रहा है? क्या बॉन्ड तो नहीं बन रहा है? अरे ये क्या है, अट्रैक्शन है अट्रैक्शन बस। फोर्स है ना, बस एक अट्रैक्शन है, बॉन्ड तो नहीं बन रहा है ना, बस एक अट्रैक्शन है, बॉन्ड नहीं है। तो बॉन्ड आपको भी पता होना चाहिए कि भाई बॉन्ड ज्यादा स्ट्रांग होता है कि अट्रैक्शन ज्यादा स्ट्रांग होता है। जैसे मान लो अगर आपका कोई बॉन्ड है आपके भाई के साथ, तो भाई के साथ अगर बॉन्ड है और फ्रेंड के साथ अट्रैक्शन है तो कौन ज्यादा स्ट्रांग होगा? भाई फ्रेंडशिप तो आज है कल टूट जाएगी, भाई फ्रेंडशिप कोई बॉन्ड गारंटी है क्या? वो तो कभी भी आइडिया टूट जाएगी। लेकिन जो तुम्हारा बॉन्ड है वो स्ट्रांग होगा कि नहीं? तो वांडरवाल फोर्स एक अट्रैक्शन है, तो अट्रैक्शन इसका मतलब क्या होगा, ये वीक होगा कि नहीं? यस सर वीक होगा। तो हम बोल सकते हैं ना वांडरवाल फोर्स वीक होगा एज कंपेयर टू कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड आयनिक बॉन्ड सबसे क्या होगा, वीक होगा कि नहीं, बोलो भाई? होगा। तो क्या ये वांडरवाल फोर्स केवल ये क्या होता है, अब एक एक करके पढ़ते हैं, इधर देखने। ठीक है। तो देखो क्या लिखा हुआ है, मैं आग पानी करते लिए क्या वाला, देखो ये क्या है, ये देखना ये वांडरवाल फोर्स क्या है। अरे आवाज आ रही है आपको? क्या यस सर। यस सर आ रही है। कह रहा है, इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन, एक अट्रैक्शन है। वांडरवाल फोर्स क्या है, पता नहीं फिर क्यों नहीं बताया, अरे क्या बोल रहे हो? वांडरवाल फोर्स क्या है, एक अट्रैक्शन है। ठीक है। ये क्या है वांडरवाल फोर्स, अट्रैक्शन। अट्रैक्शन। ठीक है। तो अट्रैक्शन है किसके किसके बीच में, तो देखो जो आपका दो मॉलिक्यूल होगा ना, अगर मॉलिक्यूल है बहुत सारे मॉलिक्यूल है उनके बीच में क्या होगा, एक अट्रैक्शन फोर्स है। साक्षी जहां अभी ज्वाइन कर रहे हो लेट से, देखिए वांडरवाल फोर्स क्या है, एक अट्रैक्शन फोर्स है। किसके किसके बीच में भैया, मोर मॉलिक्यूल्स के बीच में एक अट्रैक्शन फोर्स लगता है। और ये क्या है, एक वीकेस्ट फोर्स है ना, यस वीकेस्ट केमिकल फोर्स है। और ये इसके टाइप्स देखो, इसके वांडरवाल फोर्स के आपके टाइप्स लिखे हुए हैं। टाइप्स क्या है, डाइपोल डाइपोल, आयन इंड्यूस्ड डाइपोल, डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल,
इंस्टेंटेनियस डाइपोल। भाई यार इसका नाम अजीब नहीं लग रहा है? और इसका नाम कैसे याद होगा यार? ये देखो ना, ये वांडरवाल फोर्स के नेम देखो, ये टाइप्स टाइप्स ऑफ वांडरवाल फोर्स देखो क्या है। पहला है डाइपोल डाइपोल, दूसरा है आयन इंड्यूस्ड डाइपोल, तीसरा क्या है डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल, और चौथा क्या है इंस्टेंटेनियस डाइपोल और इंड्यूस्ड डाइपोल। ये अजीब तो डेडपूल लग रहा है। क्या लग रहा है? सर डेडपूल लग रहा है मूवी एक। अरे ये तुमको ये लेंदी लग रहा है, ठीक है देखना अभी ये आसान लगेगा। कैसे आसान लगेगा देखो, ये तुम वांडरवाल जो फोर्स बनाए लगाए हो, ये बताओ ये क्या एक डाइपोल है कि नहीं? अरे एच सी एल एक डाइपोल है कि नहीं भाई? डाइपोल मतलब मेरे कहने का मतलब डाइपोल है, इसका मतलब क्या है? इसमें एच सी एल में डाइपोल मोमेंट होता है कि नहीं? अरे एच सी एल में डाइपोल मोमेंट है कि नहीं, यस या नो बोलो तो सही। यस सर है। यस सर है। एच सी एल में डाइपोल मोमेंट है, क्या इस एच सी एल में डाइपोल मोमेंट है? यस सर। हाँ तो इसमें भी डाइपोल में है, तो यानी कि ये क्या है, ये भी डाइपोल, ये भी डाइपोल, दोनों डाइपोल है कि नहीं? डाइपोल डाइपोल। कुछ टफ नाम है क्या? डाइपोल डाइपोल। अरे जब दोनों डाइपोल लोगे ना एच सी एल, मतलब क्या हो गया यहाँ पे एच सी एल और एच सी एल, जब दोनों डाइपोल लोगे तो उस वहां पे जो वैन डर वाल फोर्स लगेगा उसका नाम क्या हो जाएगा? डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन। क्या नाम हो जाएगा? डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन। अब दूसरा है आयन इंड्यूस्ड डाइपोल, आयन इंड्यूस्ड डाइपोल। अब इसको समझते हैं, ये तुम्हारा हो गया ए नंबर। अब बी समझते हैं, तो यहाँ पे दिया ही हुआ है देखो, ए नंबर यहाँ पे दिया ही हुआ है देखो, डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन के बारे में देखो यहाँ पे दिया हुआ है एच सी एल। भाई देखो यहाँ पे क्या है, डेल्टा माइनस, ये डेल्टा प्लस, ये तुम्हारा डेल्टा प्लस और ये डेल्टा माइनस। ये ऑलरेडी एक डाइपोल है, ये भी एक डाइपोल है, दोनों के डाइपोल डाइपोल के बीच में अट्रैक्शन लगा, तो एक फोर्स मतलब अट्रैक्शन फोर्स लगा, और इसी अट्रैक्शन फोर्स का नाम क्या हो जाएगा? वैन डर वाल फोर्स, वैन डर वाल रेडियस, वैन डर वाल फोर्स लग गया। बोलो ठीक है, कोई दिक्कत? नो सर। अब आते हैं सेकेंड वाले पे, सेकेंड वाला क्या था? आयन इंड्यूस्ड डाइपोल। आयन इंड्यूस्ड डाइपोल क्या हो जाएगा? देखो एक आयन तुम ले लो, देखो ये आयन हो गया, लेकिन इस बार सेकेंड में क्या रख लेना है? इस बार सेकेंड में आपको कोई डाइपोल नहीं लेना है, आपको इंड्यूस्ड डाइपोल लेना है। इंड्यूस्ड डाइपोल मतलब समझे, जिसमें पहले से कोई डाइपोल प्रेजेंट ना हो, नॉन पोलर, नॉन पोलर हो। यस, यानी कि आप क्या ले लो, H2 ले लो। क्या ले लो? अरे H2 बताओ, क्या H2 में ये डाइपोल होता है क्या? नो सर। नहीं, डाइपोल इसका जीरो होता है, H2 का डाइपोल जीरो होता है। और ये क्या है? ये आपका आयन है, और ये क्या है? ये क्या है? आपका नॉन पोलर है, यानी कि इसका डाइपोल जीरो है, क्योंकि ये माइनस है। आपने एक एक्सपेरिमेंट किया होगा, एक्सपेरिमेंट क्या है, बचपन में आप गेम खेलते होंगे, क्या करते होंगे, एक स्केल लेते थे और यहाँ पे बहुत सारा पेज का टुकड़ा है, इस स्केल को आप ऐसे बाल पे से रब करते थे, रब करते थे, तो ये क्या होता, ये पेज का टुकड़ा चिपक जाता था ना? यस सर। अब पेज का क्या, ये पेज का पेज पे के टुकड़े पे कोई चार्ज आया था क्या? यस सर। पेज के पेज पे स्केल पे आता चार्ज कहाँ है? चार्ज तुम्हारा स्केल पे है, मान लो ये स्केल तुम्हारा निगेटिव हो गया। अरे रब करने से चार्ज कहाँ आया? स्केल पे। स्केल पे। जो तुमने जो आप गेम खेलते थे बचपन में, उसमें क्या करते थे, स्केल को ऐसे रब किए, तो ये रब करने से चार्ज स्केल पे आया, लेकिन पेज पे तो कोई चार्ज नहीं आया था, फिर ये पेज चिपक क्यों जाता था? सर उस पे इलेक्ट्रॉन्स की फ्लोइंग हो जाती थी ना। देखो क्या होता होगा, ये तुम्हारा निगेटिव चार्ज, ये स्केल तुम्हारा निगेटिव है, पेज पे कोई चार्ज नहीं है, लेकिन अब स्केल जब तुम पेज के पास ले गए तो यहाँ पे कुछ पॉजिटिव और न्यूट्रल है, तो क्या होगा, कुछ पॉजिटिव इधर आ गया इसकी तरफ और इसके अपोजिट साइन में निगेटिव आ गया। बोलो यही होता होगा ना? अरे पॉजिटिव को अपनी तरफ खींच लिया, निगेटिव को उसके उल्टा भेज दिया। yes, जिसकी वजह से ये क्या हो गया, ये चिपक गया। yes, लेकिन ये क्या है, ये पेज पहले से डाइपोल नहीं था, पहले से न्यूट्रल था, इसको डाइपोल क्या कौन बना रहा है, मतलब इस पे चार्ज कौन ला रहा है? ये स्केल जो है, ये जो स्केल है यही इस पे चार्ज क्रिएट कर रहा है। सिमिलरली यही कंसेप्ट अगर तुम यहाँ पे ये यूज करोगे तो बताओ, ये क्लोरीन माइनस है, अब ये माइनस इसके ऊपर प्लस चार्ज जनरेट करेगी,
प्लस चार्ज जनरेट करेगा ना. अब ये माइनस इसमें प्लस चार्ज जनरेट किया, बताओ ये दोनों अब चिपकेंगे कि नहीं? यस सर. और ये फोर्स को हम वांडरवाल फोर्स बोलेंगे कि नहीं? यस सर कहेंगे, वांडरवाल फोर्स बोलेंगे. ठीक है, डेल्टा प्लस है तो ऑब्वियस बात है यहाँ डेल्टा माइनस. तो क्या यहाँ पे पहले से कोई डाइपोल था? नहीं था. डाइपोल क्या हुआ? इंड्यूस्ड हुआ है, इंड्यूस्ड हुआ है. तो इसलिए इसका नाम क्या रख देंगे? इसको इंड्यूस्ड बोलेंगे. और चूंकि ये क्या है, आयन है, तो टोटल नाम क्या होगा? आयन इंड्यूस्ड डाइपोल. क्या होगा? आयन इंड्यूस्ड डाइपोल. बोलो, नाम समझ में आया? यस सर. ये हो गया आपका बी नंबर, आयन इंड्यूस्ड डाइपोल. ठीक है, अब तुम बताओ कौन सा डाइपोल ज्यादा ज्यादा मजबूत होगा? डाइपोल डाइपोल पहला क्या था? डाइपोल डाइपोल था ना, डाइपोल ज्यादा स्ट्रांग होगा, ज्यादा स्ट्रांग होगा. क्यों डाइपोल डाइपोल ज्यादा स्ट्रांग है? क्योंकि देखो यहाँ पे चार्ज पहले से, मतलब कोई इंड्यूस्ड कराना नहीं पड़ा, रियल यहाँ में पे दोनों साइड से चार्ज लग रहा है. हाँ यहाँ पे देखो, यहाँ पे हाँ दोनों साइड से चार्ज लग रहा है. यहाँ पे क्या है, ऑलरेडी डेल्टा माइनस है, ऑलरेडी डेल्टा प्लस है, आपको कोई इंड्यूस्ड नहीं कराना पड़ा. लेकिन यहाँ पे क्या है भाई, तुम इंड्यूस्ड करा रहे हो ना, चार्ज को तुम जनरेट करा रहे हो, तो इसलिए ये वीक हो जाएगा कि नहीं पहले वाले से? यस सर हो जाएगा. ठीक है, लेकिन ये देखना एक और चीज ध्यान रखना, अगला जो आ रहा है नाम, उसमें अगला जो नेम है वो है डाइपोल, मतलब इस आयन की जगह पर डाइपोल ले लेंगे और इधर इंड्यूस्ड ही लेंगे, मतलब इस आयन को हटा के क्या करेंगे, डाइपोल कर देंगे. डाइपोल देखो यहाँ पे आयन को हटा के हमने क्या किया, डाइपोल कर दिया. और ये तो अभी भी वही है ना इंड्यूस्ड वाला. देखो सीएल सीएल, अरे सीएल सीएल में कोई डाइपोल होता है क्या? नो सर नहीं होता है. तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आपका इंड्यूस्ड डाइपोल होगा, ये जो है इंड्यूस्ड डाइपोल. लेकिन यहाँ पे तो रियल, यहाँ पे तो डाइपोल आ गया ना? यस सर. हाँ अब बताओ ये डाइपोल इसमें, मतलब अगर जैसे तुम्हारा ये HCl है, HCl क्या है, डाइपोल है, और CLCl क्या है, नॉन डाइपोल, मतलब इसमें कोई भी डाइपोल मोमेंट नहीं होगा. तो बताओ यहाँ पे ये डेल्टा माइनस, अभी बताओ ये डेल्टा माइनस इसमें कुछ डेल्टा प्लस लाएगा कि नहीं? यहाँ पे बोलो लाएगा कि नहीं? yes, अब ये बताओ इनके बीच में अट्रैक्शन फोर्स लगेगा कि नहीं? यस सर लगेगा. तो यहाँ पे अट्रैक्शन फोर्स को वैन डर वाल फोर्स बोलोगे कि नहीं? यस सर. लेकिन तुम बताओ यहाँ पे जो इंड्यूस किया है वो इंड्यूस कौन कर रहा है? HCl. लेकिन पिछले वाले केस में इंड्यूस कौन कर रहा था? क्लोरीन माइनस, एक आयन कर रहा था. अच्छा आयन पे जो चार्ज होता है ये रियल चार्ज है कि नहीं? यस सर. हाँ लेकिन यहाँ पे जो जो इंड्यूस करने वाला है क्या इस पे रियल चार्ज है क्या? ये डेल माइनस चार्ज है, कम चार्ज है. अब तुम बताओ यहाँ पे इंड्यूस करने वाला वीक है कि नहीं? वीक होगा. यानी कि ये अट्रैक्शन फोर्स पिछले वाले से वीक हो जाएगी नहीं? यस सर. अरे पिछले वाले से ये अट्रैक्शन फोर्स वीक हो जाएगा ना? यस सर. हाँ ठीक है, क्योंकि वहां पे क्या था, देखो पिछले वाले में यहाँ पे सीएल माइनस और सीएल सीएल लिए थे, रियल चार्ज था, रियल चार्ज ज्यादा इंड्यूस करेगा ना भाई, रियल चार्ज यहाँ पे ज्यादा डेल प्लस नहीं लाएगा. यस सर. एज कम्पेयर टू ये डाइपोल, ये क्या है, डाइपोल है. तो हम इसका नाम क्या लगा, डाइपोल, और यहाँ पे इंड्यूस हो रहा है, तो क्या इसका नाम हम रख दे, डाइपोल इंड्यूस डाइपोल, डाइपोल इंड्यूस डाइपोल. बोलो. यस सर. समझ में आ रहा है? और ये देखो वो वीक होगा, पिछले वाले से वीक होगा. देखो यहाँ पे, देखो यहाँ पे दिखा भी दिया है क्या है, ये माइनस और ये प्लस, ये माइनस क्या कर रहा है, उस वहां से इंड्यूस कर रहा है. देखो यहाँ पे थोड़ी सी अट्रैक्शन होगी ना इसमें, बहुत हाँ कम होगा. अरे वैन डर वाल फोर्स बहुत वीक होता है भाई, बहुत वीक होता है वांडरवाल फोर्स, बहुत वीक होता है. ठीक है, वांडरवाल फोर्स ही वीक होता है. किलो जूल एनर्जी होती है ना इसमें? हाँ, आठ से कम होती है. yes, एट से कम होती है. यस, समीक्षा को सब पता है भाई. चलो अब ये देखते हैं अगला, इंस्टेंटेनियस डाइपोल, इंस्टेंटेनियस इंड्यूस डाइपोल. ये क्या होता है सर? हाँ, इतना बड़ा, इतना सारा क्या लिख रखा है, इतना सारा क्या लिख रखा है बताओ, क्या लिख रखा है, समझो क्या लिख रखा है, इंस्टेंटेनियस. अब देखो ये समझने वाला कंसेप्ट टॉपिक है, इंस्टेंटेनियस. इस केस में जानते हो तुम दोनों क्या करना, नॉन पोलर ले लेना. फॉर एग्जांपल देखो इसको अच्छे से समझना, ये एच, ये एच, ये सीएल, ये यहाँ पर सीएल, या फिर यहाँ पे भी एच एच ले लो, तुम्हारा मन, कुछ भी ले लो. अब बताओ क्या इसमें डाइपोल होगा, क्या यहाँ पे डेल्टा प्लस और डेल्टा माइनस होगा? नो सर.
भाई अभी डेल्टा प्लस डेल्टा माइनस नहीं होगा तो क्या यहाँ पे वांडरवाल फोर्स लगेगा? नो सर नहीं लगेगा, लेकिन वांडरवाल फोर्स इसके बीच में लगेगा। अब कैसे होगा वो वांडरवाल फोर्स, कैसे जेनरेट होगा, तो इसको समझना, ध्यान से समझना कैसे वांडरवाल फोर्स यहाँ पर जेनरेट हो रहा है। ये तुम्हारा न्यूक्लियस और ये तुम्हारा सेल और यहाँ पे है ये इलेक्ट्रॉन। बोलो इलेक्ट्रॉन है इसका मतलब क्या, ये निगेटिव चार्ज है। अब आपको पता है इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन क्या है, नेगेटिव चार्ज। इलेक्ट्रॉन क्या है, निगेटिव चार्ज। और ये निगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन आपने पढ़ा होगा इलेक्ट्रॉन वेव नेचर का होता है ना। यस सर। इलेक्ट्रॉन वेव नेचर, तो क्या ये इलेक्ट्रॉन यहीं पे रहेगा? नहीं, ये इलेक्ट्रॉन तो घूम रहा होगा। यस सर। अब मान लो सपोज करो ये इलेक्ट्रॉन घूमता घूमता यहाँ पे आ गया, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आ गया, तो अब बताओ यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आ गया तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि निगेटिव चार्ज कहाँ पे आ गया, इस साइड निगेटिव चार्ज आ गया। चूंकि इस साइड निगेटिव चार्ज आ गया तो इस साइड हम बोल सकते हैं प्लस चार्ज आ गया। क्या हो गया, किसी पार्टिकुलर इंस्टेंट पे इलेक्ट्रॉन इधर आ गया तो इधर माइनस इधर प्लस, बोलो इधर प्लस हो गया। yes, अब बताओ चार्ज का जनरेशन हुआ कि नहीं? यस सर। अब यहाँ पे मैं H2 लाऊ, अब मैं यहाँ पे H2 लाऊ तो बताओ इस प्लस चार्ज की वजह से यहाँ पे माइनस जेनरेट हो जाएगा? यस सर, हो जाएगा। क्योंकि प्लस माइनस जेनरेट हो गया तो बताओ इनके बीच में एक डाइपोल हो जाएगा, मतलब यस सर हो जाएगा, अट्रैक्शन फोर्स होगा कि नहीं? और ये अट्रैक्शन फोर्स को हम वांडरवाल फोर्स बोलेंगे कि नहीं? यस सर। वांडरवाल, हाँ बोलो क्या दिक्कत है सर? इसमें जैसे कि आपने बोला इलेक्ट्रॉन दूसरी साइड चला गया तो सर इधर रहना पॉजिटिव हो गया, इधर नेगेटिव आ गया तो इधर पॉजिटिव होगा, ऑब्वियस बात है, क्योंकि होल तो न्यूट्रल ही होना चाहिए ना। सर अगर दूसरा एटम कोई आए और वो सर पहले तो रिपल्सिव मारेगा ना उस पे, रिट्रैक्ट मारेगा। नहीं, ये दूसरा एटम जैसे ही तो वही स्केल वाला कहानी है। देखो ये पेज है, ये क्या है आपका पेज है मान लो, अरे वो जैसे ही तुम स्केल ले जाओगे तो पेज का माइनस इधर आएगा और चिपक नहीं जाएगा, नेगेटिव चार्जेस अट्रैक्ट कर लेंगे, अट्रैक्ट नहीं करेगा। देखो यहाँ पे अच्छे से समझाया गया, देखो ये तुम्हारा क्या एक पार्टिकुलर इंस्टेंट पे देखो डाइपोल बना हुआ है, पार्टिकुलर स्टैंड पे देखो इधर तुम्हारा प्लस है तो ऑब्वियस ही बात है इधर माइनस होगा, और इधर माइनस होगा। लेकिन इसके पास तुम बताओ एक सिमेट्रिकल, एक कोई सिमेट्रिकल कोई भी एलिमेंट आप ले गए यहाँ पे, देखो ये पूरा चारों तरफ इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूट है ना, लेकिन इसके संगति में आने की वजह से देखो यहाँ पे प्लस चार्ज जनरेट हो गया कि नहीं? देखो यस सर, इसमें तो पूरा न्यूक्लियस ही चार्ज को लेकर पूरा चला गया ना। ये देखो ये स्टार्टिंग कंडीशन है, ये है आपका स्टार्टिंग। सर ये सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन मतलब समझ नहीं आया। सिमेट्रिकल मतलब ये चारों तरफ डिस्ट्रीब्यूट है ना, देखो ना चारों तरफ नहीं है, अरे चारों तरफ डिस्ट्रीब्यूट। स्टार्टिंग में तो इलेक्ट्रॉन चारों तरफ डिस्ट्रीब्यूट हुए, बस सर न्यूक्लियस को वो कैसे साइड कर दिया? क्योंकि न्यूक्लियस तो पूरा, सर मेरे को भी समझ नहीं आया। अरे ये समझ में आया? हां सर ये आ गया, तो यही चीज वो भी है। देखो ये यही चीज वही है, यहाँ पे अच्छे से नहीं दिखा है। स्लाइड में चार बार डेल्टा लिख करके माइनस और प्लस लिखा था ये। अच्छा इस पे हम आते हैं, इस पे आते हैं, रुक जाओ इसको पहले समझो। देखो ये तुम्हारा क्या है, प्लस है ना भाई, मैं चाहूँ तो इसको और प्लस लिखते रहूँ ताकि तुमको अच्छे से क्लियर हो। यस ये तुम्हारा देखो बहुत सारा प्लस हो गया, चूंकि ये प्लस है तो यहाँ पे ऑब्वियस बात है माइनस होगा, जो कि यहाँ पे दिखाया नहीं है, माइनस होगा। अब बताओ ये क्या है, एक पार्टिकुलर इंस्टेंट पे डाइपोल है, पार्टिकुलर इंस्टेंट पे डाइपोल है कि नहीं? अब इसके पास में कोई एक ऐसा ले गया जिसका, जिसमें इलेक्ट्रॉन का क्या सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन है, ये मतलब अभी ये स्टार्टिंग अभी कुछ हुआ नहीं, थोड़ी देर बाद क्या होगा, थोड़ी मतलब टाइम पे कुछ समय बाद क्या होगा बताओ? ये यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस था, तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे प्लस नहीं आ जाएगा। सर एक बात पूछनी थी सर, हमें तो पता नहीं न्यूक्लियस सेंटर में रहता है, इसको कंप्लीट करने दो। ये माइनस है, ये प्लस आ गया कि नहीं बोलो भाई? अब जैसे ये माइनस प्लस आएगा अट्रैक्शन फोर्स लगेगा कि नहीं? यस सर लगेगा। अट्रैक्शन फोर्स को तो वैन डर वाल फोर्स बोलते हैं ना। यस सर। क्योंकि ये क्या हुआ, ये आपका एक पार्टिकुलर इंस्टेंट पे हुआ ना, तो इसलिए इसका इंस्टेंटेनियस डाइपोल हो गया। और इसमें क्या हो रहा है, इसमें इंड्यूस हो रहा है, तो पहला था इंस्टेंटेनियस और दूसरा का नाम इंड्यूस, तो इस यही देखो इसका नाम था इंस्टेंटेनियस और दूसरे के लिए इंड्यूस डाइपोल।
बोलो। और ये भी एक पार्टिकुलर इंस्टेंट पे ही हो रहा होगा, इसलिए इंस्टेंटेनियस डाइपोल, इंस्टेंटेनियस इंड्यूस डाइपोल। और ये किस में होगा, दोनों नॉन पोलर हो, दोनों क्या होने चाहिए, नॉन पोलर। फॉर एग्जाम्पल एच टू, एच टू नॉन पोलर है, ओ टू, सी एल टू, सबके सब नॉन पोलर है ना, तो इसमें क्या होगा, इंस्टेंटेनियस इंड्यूस्ड डाइपोल होगा। और इसका एक और नाम होता है, इसका नाम होता है लंदन फोर्स। इसका एक और नाम क्या होगा, लंदन फोर्स। और ये बहुत वीक होता है, बहुत कमजोर नहीं होगा, देखो ना दोनों नॉन पोलर लिए हो, दोनों नॉन पोलर लिए, बट सर न्यूक्लियस सेंटर में होता है। अरे ये न्यूक्लियस थोड़ी दिखा रहा है, ये प्लस चार्ज न्यूक्लियस नहीं दिखा रहा है भाई, ये चार्ज का सेपरेशन दिखा रहा है ओम सिंह, ये न्यूक्लियस नहीं है, ठीक है। अरे साइड में कैसे आ गए, इधर समझना, फिर से समझो यार, न्यूक्लियस से हमें कोई, देखो ओम, न्यूक्लियस को हम कुछ कुछ चेंज नहीं कर रहे, न्यूक्लियस अभी भी वहीं पे है। मैं इस ये इलेक्ट्रॉन को घुमा रहा हूँ, अरे इलेक्ट्रॉन वेव नेचर है, घूम रहा होगा ना, यस सर। हाँ तो घूम रहा है तो बताओ, ये घूमते घूमते यहाँ पे इलेक्ट्रॉन नहीं आ जाएगा, यस सर, आ जाएगा। वो जो ऊपर डायग्राम में था वो चार्ज था, वो चार्ज, वो इलेक्ट्रॉन को बता रहा न्यूक्लियस नहीं था। नहीं, ये न्यूक्लियस नहीं है, ये न्यूक्लियस नहीं है भाई, ये ओके चार्ज है, सर, ये चार्ज है, चार्ज है, ठीक है, न्यूक्लियस नहीं है। अरे समझ में आ गया, अरे ये कहां से, इसको समझो ना भाई, सर समझ में साइड आया। वाला समझना, ठीक है। सर अरे बोलो, एक और चीज बस पूछ रही थी सर, एक हाँ चीज बोलो, और ओम क्या दिक्कत सर, है, बोलो। जैसे सर न्यूक्लियस में सर पॉजिटिव आएगा तो फिर वो साइड में कैसे चला गया, क्योंकि न्यूक्लियस, सर अरे क्योंकि वो तो सब जगह डिस्ट्रीब्यूशन एक जगह होगा ना, सुनो सुनो सुनो, फिर से, तो वो न्यूक्लियस है ही नहीं जो साइड में तुम सोच रहे हो। देखो भाई, कोई भी एटम न्यूट्रल होता है कि नहीं, मान लो ये ए एटम न्यूट्रल है, न्यूट्रल ही होता है ना, यस सर, यस सर, और ये न्यूट्रल, इसका मतलब क्या होगा, कुछ प्लस होंगे कुछ माइनस होंगे, और ये न्यूट्रल हाँ होगा। अब बताओ ये माइनस तुम्हारा क्या है, तुम्हारा इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन, आप पढ़ चुके हैं ना, इलेक्ट्रॉन वेव नेचर होता है। मान लो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है तो ऑब्वियस ही बात है, अगर इलेक्ट्रॉन मान लो एक ही इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, अगर वो डिपेंड करेगा कि उसका एटॉमिक नंबर कितना है, मान लो चार इलेक्ट्रॉन है तो चारों इलेक्ट्रॉन किसी पार्टिकुलर टाइम पे यहाँ पे है। यस सर, अब चारों इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है तो हम नहीं कह सकते कि देखो एक पार्टिकुलर इंस्टेंट, और इंस्टेंटेनियस, इसका नाम ही इंस्टेंटेनियस है, मतलब ये घड़ी के बहुत, मतलब होता नहीं है, मतलब माइक्रो सेकेंड में तुम चले जाओ, शॉर्ट ऑफ टाइम, बहुत कम समय पे तुम जाओ, तो एक पार्टिकुलर सेकेंड पे बोल रहा है कि देखो एक पार्टिकुलर सेकेंड पे सारे इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, तो ऑब्वियस बात है यहाँ पे माइनस माइनस हो जाएगा, क्योंकि सारे इलेक्ट्रॉन इधर है तो इधर माइनस है, तो ऑब्वियस सी बात है यार, ये न्यूट्रल तभी होगा ना जब इधर माइनस है तो इधर प्लस हो, यस सर, तो हाँ यही प्लस लिख कर दिया गया है, ठीक है। यस सर, सर एक और चीज पूछनी थी सर, इसमें कितने हम मॉलिक्यूल बना सकते हैं इससे? क्या कितने, नहीं वंडरवाल फोर्स में ऐसे नहीं क्वेश्चन आएंगे कितने मॉलिक्यूल बनाएंगे, वो हाइड्रोजन बॉन्ड के लिए बचा के, नहीं मैक्सिमम तो दो ही बन सकते हैं ना, क्योंकि वंडरवाल में मैक्सिमम का ये बात ही नहीं है, तो अट्रैक्शन फोर्स है भाई, कितना अट्रैक्शन हो जाए किसके, कितने मॉलिक्यूल के साथ। अरे जैसे देखो, मान लो एक एचएफ है, उसके अगल बगल में कितने एचएफ आपके जुड़ जा रहा है, अट्रैक्शन की बात हो जा रही है, ठीक है। वो तुम मॉलिक्यूल वाला जो क्वेश्चन है ना, वो हाइड्रोजन बॉन्ड के लिए बचा के। अरे बोलो, ये अट्रैक्शन से बताओ, ये वीक होगा कि नहीं, यस सर, बहुत वीक हो गए तो। बहुत वीक यस होगा। सर, तो सबसे स्ट्रांग कौन सा डाइपोल हुआ, सबसे स्ट्रांग तुम्हारा कौन सा पार्टिकल, डाइपोल, डाइपोल, डाइपोल। यस डाइपोल। अब देखो, अब ये नाम समझ में आ रहा है, तुम बोले थे सर अजीब सा नाम लग रहा है, अब नाम समझ में आ रहा है, सर, अब आ डाइपोल गया। डाइपोल, आयन इंड्यूस डाइपोल, डाइपोल इंड्यूस डाइपोल, और सबसे स्ट्रांग देखो कौन होगा, सबसे स्ट्रांग डाइपोल तुम्हारा डाइपोल था ए डाइपोल तब डाइपोल, बी तब सी तब डी, अरे ये ऑर्डर होगा ना, बोलो भाई, यस सर, यस सर, यही यस होगा। सर। चलो अब यहाँ पे एक और हम पढ़ेंगे, यहाँ पे देखो आयन इंड्यूस तुम पढ़ लिए, लेकिन आयन डाइपोल हमने कहीं नहीं पढ़ा, मतलब आयन, अगर मान लो एक आयन हो और एक डाइपोल हो, समझना इधर, समझना, ये एक आयन है और ये बताओ ये वाटर का डाइपोल है कि नहीं, डेल यस माइनस, सर, डेल यस सर, प्लस, और ये हो गया डेल प्लस, ये तुम्हारा क्या है, ये आयन है और ये क्या है, डाइपोल है ना, आई बोलो ये यस आयन डाइपोल है, तो इनके बीच में भी अट्रैक्शन नहीं लगेगा। सर, यस, लगना तो चाहिए। और ये बताओ, हमने पढ़ा था इस सबसे ज्यादा अट्रैक्शन डाइपोल डाइपोल का, हमने क्या पढ़ा था, सबसे ज्यादा अट्रैक्शन डाइपोल 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 का। अब तुम कॉमन सेंस से बताना, ये डाइपोल डाइपोल वाले से इनके बीच में अट्रैक्शन कम होगा या ज्यादा होगा, डाइपोल डाइपोल का मैं होगा एग्जाम्पल लिख दे रहा हूँ, सर, डाइपोल कम डाइपोल का होगा एचसीएल और सर, कम एचसीएल, होगा अगर मैं ए बोला और बी बोला,
बताओ किसमें अट्रैक्शन, मतलब किसमें अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा है, ए में या बी में? सर ए में, ए ए में। कोई होगा ऐसे बच्चे जो बी के साथ है? कोई कोई नहीं है बी के साथ? अरे कितने बार बोले ओम सिंह के साथ मत रहो। हाँ माधव ने सही बोला भाई, यस माधव तुम सही बोले, बी वाला सही होगा। अरे देखो अभी तो बताए थे ना ये डाइपोल, डाइपोल में क्या हो रहा होगा? अरे डाइपोल, डाइपोल में कोई रियल चार्ज नहीं है, एक एच सी एल है और दूसरा भी एच सी एल है। अरे क्या चार्ज है इस पे? डेल माइनस है, इस पे डेल प्लस है, इस पे डेल माइनस है। तो ये वाले पार्ट तो दोनों में सेम है, लेकिन यहाँ पे देखो ये डेल माइनस है ना, थोड़ा सा चार्ज है ना, लेकिन ये क्या है यहाँ पे रियल चार्ज है ना। अरे बोलो यहाँ पे रियल चार्ज नहीं है, ये रियल चार्ज। अब तुम खुद खुद सोचो ना कौन ज्यादा यहाँ पे अट्रैक्शन फोर्स प्रोड्यूस करेगा। अरे कौन ज्यादा अट्रैक्शन फोर्स, रियल चार्ज, रियल चार्ज प्रोड्यूस करेगा ना, तो कौन ज्यादा स्ट्रांग हुआ? डाइपोल, डाइपोल हुआ, ए स्ट्रांग हुआ या बी हुआ? बी, बी हुआ ना। चलो ठीक है। अरे बोलो क्या तुम लोग आपस में बातचीत कर रहे हो, ध्यान दो इधर। नहीं सर वो पूछ रहे थे रीजन पता है, रीजन। अरे रीजन तो पहले ही बताए थे। अरे समीक्षा मैंने पहले रीजन बताया था कि नहीं ऊपर वाले में? कह रही थी कि उन्होंने हैंड रेस किया था, उन्हें रीजन पता है कि नहीं। नहीं अच्छा ये मतलब, अच्छा ये क्वेश्चन पूछने से पहले भी ये मतलब मैं डिस्कस किया हूँ नहीं, जब आयन आयन का आयन इंड्यूस्ड आया था तो तभी बोले थे ना कि भाई रियल चार्ज होगा तो क्या होगा, ये अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा होगा। ठीक है तो अच्छा ये यहाँ पे भी तुमको अब क्या ये वैन डेर वाल्स फोर्स है क्या? क्या ये वैन डेर वाल्स फोर्स है? तो नहीं, ये वैन डेर वाल्स फोर्स रहता तो हम टाइप में नहीं लिख देते ऊपर, ये वैन डेर वाल्स फोर्स नहीं है। तो यही देखो की पॉइंट यहाँ पे दिया हुआ है, स्पेशल पॉइंट देखो क्या दिया हुआ है पढ़ना। अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन एन आयन, एक आयन और एक डाइपोल, एक आयन और एक डाइपोल के बीच में जो अट्रैक्टिव फोर्स होगा इसका नाम बताओ। इसका भी नाम उसी तरह रख दोगे, आयन डाइपोल नहीं रख दोगे? यस सर, आयन डाइपोल रख दोगे। लेकिन ये क्या है, ये वैन डेर वाल्स फोर्स नहीं है, ये क्या है, बस एक अट्रैक्टिव फोर्स है, इसको वैन डेर वाल्स फोर्स नहीं करेंगे। ठीक है, आयन डाइपोल फोर्स आर स्ट्रॉन्गर देन ऑल वैन डेर वाल्स फोर्स। देखो ये सभी वैन डेर वाल्स फोर्स से क्या होगा, स्ट्रॉन्गर होगा। क्यों स्ट्रॉन्गर होगा? क्योंकि यहाँ पे रियल चार्ज है, बिकॉज द चार्ज ऑफ मच ग्रेटर, क्या है चार्ज ज्यादा है। ठीक है, आयन डाइपोल बॉन्डिंग इज ऑल्सो स्ट्रॉन्गर देन हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये क्या क्या कर रहा है, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो सकता है, इसलिए इसको हम वैन डेर वाल्स के कैटेगरी में डालते हैं, क्योंकि वैन डेर वाल्स का रेंज बता रही थी समीक्षा 8 किलो जूल पर मोल। वैन डेर वाल्स का रेंज क्या होता है, 8 से कितना होता है भाई? सर 8 से कम होता है। यस 8 से कम होता है, चलो ये बहुत वीक फोर्स होता है। आगे बढ़ा जाए, समझ में आया? यस सर। देखो अब ये बताना ये वैन डेर वाल्स फोर्स से क्या हो रहा है, अट्रैक्शन बढ़ रहा है। अरे वैन डेर वाल्स फोर्स क्या कर रहा था, दो मॉलिक्यूल को अट्रैक्ट कर रहा है ना। यस सर, यस सर। अब बताओ अब जितना ज्यादा अट्रैक्शन फोर्स रहेगा मॉलिक्यूल के बीच में, उसका बॉइलिंग पॉइंट उतना ही ज्यादा होगा कि नहीं? जितना ज्यादा अट्रैक्शन फोर्स होगा बॉइलिंग पॉइंट उतना ही ज्यादा होगा कि नहीं, बोलो भाई? हाँ यस सर होगा, उसे तोड़ने में उतना ही ज्यादा टाइम लगेगा। ओके फिर से तुम सर, हेलो आवाज आ रही है ना? यस सर। अच्छा मैं तुम लोग को मैं भेजना चाह रहा था यार, चैट इतना कर रहे हो, वो गलती से ये कट वाला क्लिक हो गया। ठीक है, अरे ये बातें कम करो भाई, फिर मैसेज कर रहे हो चैट मैसेज ही, थोड़ी देर लुक के लिए तुम लोग का ऑफ कर देना। चलो इधर देखिए, देखो क्या हो रहा है। अब बताओ ये तुम्हारा वैन डेर वाल्स फोर्स बढ़ेगा तो बताओ बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा कि नहीं? जी सर बढ़ जाएगा। जी सर बढ़ेगा, बढ़ेगा बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा। अरे क्यों बढ़ेगा बॉइलिंग पॉइंट? तो देखो ये भी कॉमन सेंस की बात है भाई, अगर मान लो एक वाटर है और दूसरा पेट्रोल है, अगर कौन जल्दी जल्दी वेपर बन के कौन उड़ेगा, पेट्रोल या वाटर? पेट्रोल, पेट्रोल पेट्रोल जल्दी उड़ जाएगा, पेट्रोल जल्दी उड़ जाएगा,
क्यों पेट्रोल जल्दी उड़ जाएगा? क्योंकि पेट्रोल का क्या है, उसमें अट्रैक्शन फोर्स कम है। अरे उनके मॉलिक्यूल के बीच में अट्रैक्शन फोर्स कम है, वाटर के मॉलिक्यूल के बीच में अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा होगा। आप पढ़ोगे आगे चल के, हाइड्रोजन बॉन्ड होता है वाटर में, हाइड्रोजन बॉन्ड होता है ठीक है, तो अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा। अब बताओ वैन डर वाल फोर्स क्या कर रहा है, एक तरह से अट्रैक्शन ही ला रहा है ना, अट्रैक्शन ला रहा है, चूंकि अट्रैक्शन ज्यादा होगा तो बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा नहीं हो जाएगा। यस सर, तो यही कह रहा है वैन डर वाल फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है बॉइलिंग पॉइंट। अच्छा ये वैन डर वाल फोर्स आपको ये पता होना चाहिए। अच्छा फिजिक्स में आप पढ़ते होंगे ग्रेविटी, ग्रेविटी में क्या होता है, जितना ज्यादा बॉडी बड़ा रहेगा ग्रेविटेशनल फोर्स उतना ही ज्यादा होता है ना। यस सर, ग्रेविटेशनल फोर्स डिपेंड करता है ना मास पे। यस सर, करता है। तो वैन डर वाल फोर्स भी क्या है, एक अट्रैक्शन फोर्स है जो कि डिपेंड करेगा भैया मास पे, मास पे डिपेंड करेगा ठीक है। अरे किस पे डिपेंड करेगा, मास पे। तो आप देखो ये तो आपके सामने क्वेश्चन है, इधर देखो आपको बताना है किसका वैन डर वाल फोर्स ज्यादा है और बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है। ऑब्वियस ही बात है वैन डर वाल ज्यादा तो बॉइलिंग ज्यादा, अरे वैन डर वाल फोर्स ज्यादा तो बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा होगा ना, बोलो भाई। अब देखो कैसे तुम चेक करोगे वैन डर वाल फोर्स किसका ज्यादा, तो मास चेक कर लो। अरे इसका मास और इसका मास में देखो ब्रोमीन का मास ज्यादा है कि नहीं। अरे फिर कल बाहर आई आंटी, ब्रोमीन का मास ज्यादा है ना, तो ब्रोमीन का मास ज्यादा तो वैन डर वाल फोर्स ज्यादा, वैन डर वाल फोर्स ज्यादा तो बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा। सिमिलरली आर्गन का मास ज्यादा है, यस सर, इसमें N2 का मास ज्यादा है, यस सर, तो इन सब का मास ज्यादा है, इसका मास क्या है ज्यादा, तो वैन डर वाल फोर्स क्या हो जाएगा ज्यादा, ज्यादा, बोलो भाई। अब देखना इस क्वेश्चन में कौन बता सकता है सही आंसर, आंसर क्या है, आंसर दिया हुआ है सही दिया हुआ है, रीजन बताओ, आंसर सही है तुम रीजन बताओ, कौन रीजन डिवाइड हो रहा है क्या, रीजन बताओ भाई। O2 ये बोल रहा है कि O2 माइनस, देखो ये कह रहा है O2 माइनस और H2O, O2 माइनस और H2O का बोल रहा है कि क्या, और बोल रहा है कि बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा As compared to Cl minus O2. कौन बताएगा जल्दी हैंड रेज करो, कौन बताना चाहेगा रीजन, हाँ बोलो ओम सर, क्योंकि सर O2 का ना सर अगर हम उस पे देखें ना, ये O2 को 2 माइनस कर देंगे तो इसका सर न्यूक्लियस ज्यादा हो जाएगा तो मास भी ज्यादा हो गया। नहीं मास वाला कांसेप्ट यहां पे मतलब, यहां पे समझा आप बोलो, आप क्या ये बोलना चाहते हो सर, इसमें इलेक्ट्रॉन्स जो है उनकी अट्रैक्शन बढ़ जाएगी क्योंकि इसमें बाहर ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन्स है दो, तो जल्दी अट्रैक्ट कर लेंगे। चलो थोड़ा बहुत तो सही बोल रहे हो लेकिन अच्छा, और कोई कुछ और बोलना चाहेगा, देखो सर वो तो ना सर ज्यादा रिएक्टिव हो जाएगा ना इसमें। नहीं अरे पहचानो सबसे पहले डाइपोल तो पहचानो, वो सीरीज क्यों लिखाया गया था ABCD, अरे डाइपोल पहचानो आंसर दो, ये कौन सा डाइपोल है, कौन सा पहला वाला कौन सा डाइपोल, ये तो डाइपोल डाइपोल है, डाइपोल डाइपोल ये आयन है, आयन है सर, आयन डाइपोल, अच्छा हां सर, और दूसरा वाला भी सर डाइपोल है, और ये क्या है आयन, और ये क्या है डाइपोल है, नॉन डाइपोल सर, नो सर ये डाइपोल है, ये इंड्यूस्ड डाइपोल होगा, इंड्यूस्ड डाइपोल। अब बताओ कौन ज्यादा स्ट्रांग होगा, तो वही होगा जो आयन डाइपोल होगा ना, ये आयन डाइपोल क्या था, ये तो वैन डर वाल के इससे भी ज्यादा चला गया था, और इसका तो अलग स्पेशल केस पड़े है ना आयन डाइपोल का, तो इसका तुम्हारा इसका अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा नहीं होगा, अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा होगा तो बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा नहीं हो जाएगा, तो इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या है ज्यादा। अरे आना समझ में, तो आपको टाइप पहचानने आना चाहिए, टाइप पहचानोगे तब आंसर दोगे ठीक है। अरे बोलो भाई, चलो अब आते हैं हमारा अगला हाइड्रोजन बॉन्ड, आधे घंटे समय है, आधे घंटे में ये निपट जाएगा। चलो किसी को कोई, किसी को वैन डर वाल फोर्स में कोई दिक्कत तो पूछ ले, सर ये लास्ट लेक्चर है ना, नहीं कल लास्ट लेक्चर हो जाएगा, कल खत्म कर देंगे सर। बनाना बॉन्ड कब आएगा, बनाना बॉन्ड आपको आएगा आगे जब हम ऑर्गेनिक पढ़ेंगे ना, उसमें हम पढ़ लेंगे बनाना बॉन्ड को ठीक है, ऑर्गेनिक में। इस बार के टेस्ट में यही चैप्टर आएगा, हाँ इस बार के टेस्ट में यही चैप्टर आएगा, ये चैप्टर तो बहुत बड़ा हुआ ना भाई, आज 12th लेक्चर है, कल हमारा 13th लेक्चर होगा भाई, बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, बहुत ज्यादा पढ़ेंगे सर, एनसीईआरटी में ढूंढो तो टॉपिक ही नहीं मिलते कि कहाँ से पढ़ना है, क्या समीक्षा क्या बोले एनसीईआरटी में सर, एनसीईआरटी से पढ़ने के लिए टॉपिक्स ढूंढते तो टॉपिक्स आगे पीछे रहते हैं,
टॉपिक तो आगे पीछे रहेंगे, लेकिन तुमको एनसीईआरटी में बहुत थोड़ा सा वो चीज लिखा रहता होगा, थोड़ा सा पीरियोडिक टेबल वाले में भी बहुत कम था। हाँ हाँ एनसीईआरटी बहुत कम। मैं आज रिवीजन कर रही थी तो मोल कंसेप्ट में नंबर ऑफ मोल्स के 5 फॉर्मूले थे और एनसीईआरटी में एक भी फॉर्मूला नहीं दे रखा। अरे एनसीईआरटी के बात हटाओ, तुम केमिकल बॉन्डिंग जाके देखना उसमें लॉग केमिकल कॉम्बिनेशन ही आप देख लो ना उसमें रेसिप्रोकल। चलो इधर इधर चलो इधर पढ़ते हैं आप, ठीक है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है ये पहले चलो बात ही करते रहे। हाइड्रोजन बॉन्डिंग नाम में ही है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इसका मतलब क्या होगा इसमें पक्का हाइड्रोजन तो होना चाहिए, अगर हाइड्रोजन नहीं होगा तो नाम ही क्यों दे हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अरे नाम में हाइड्रोजन बॉन्डिंग इसका मतलब क्या है, इसके मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन कंपलसरी, अरे हाइड्रोजन कंपलसरी होना चाहिए, हाइड्रोजन अगर नहीं होगा तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग आप नहीं दिखाओगे। पहले देखो, हाँ हाँ सही बता रहे हो, सब सही बता रहे हो, देखो हाइड्रोजन कंपलसरी है इसमें होना, ठीक है तो हाइड्रोजन रखो, लेकिन वो हाइड्रोजन किससे जुड़ा होना चाहिए, तो वो हाइड्रोजन किसी से भी नहीं जुड़ा होना चाहिए, फोन फोन से जुड़ा होना चाहिए, कौन चलाने वाला फोन नहीं, चलाने वाला फोन नहीं किससे, अरे ये वाला अच्छा फ्लोरीन ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, फ्लोरीन ऑक्सीजन और नाइट्रोजन से। ये है देखो ये लिखा हुआ है ना एक्स, एक्स क्या है, एक्स है आपका फोन, फोन या फिर एसपी कार्बन, एसपी कार्बन मतलब समझे, एसपी कार्बन का मतलब होता है सी ट्रिपल बॉन्ड वाला कार्बन, मतलब ये हाइड्रोजन अगर इस तरह का हाइड्रोजन रहेगा ना तो ये हाइड्रोजन बॉन्ड शो करेगा। देखो ये क्या हो गया, इसको मैंने एक्स बोल दिया और ये तुम्हारा हाइड्रोजन हो गया, ठीक है। तो बोल रहा है कि जो हाइड्रोजन जुड़ा होना चाहिए ना, ये मतलब क्या बोल रहा है, पहला पॉइंट बोल रहा है कि देखिए हाइड्रोजन बॉन्ड के लिए हाइड्रोजन किसी एक्स से जुड़ा होना चाहिए और ये एक्स क्या होगा, ये एक्स फोन होगा, क्या होगा फोन होगा, नहीं तो क्या होगा, नहीं तो ये एक्स क्या होगा ट्रिपल बॉन्ड वाला कार्बन, ट्रिपल बॉन्ड वाला कार्बन एसपी कार्बन होगा। अब ये एच एक्स किसी और के साथ जुड़ेगा भाई, किसी और के साथ जुड़ेगा ना, तो जिसके साथ जुड़ेगा मान लो किसी वाई के साथ जुड़ रहा है, कोई वाई है इसके साथ ये बॉन्ड बना रहा है जिसको हाइड्रोजन बॉन्ड बोल रहा है, किसी वाई के साथ जुड़ रहा है और इसी को हम क्या बोल रहे हैं एच बॉन्ड बोल रहे हैं ना, तो ये वाई क्या होगा, तो ये वाई भी फोन ही होगा, फोन होगा क्लोरीन में भी होगा तो काम चल जाएगा। तो देखो लिखा हुआ है वाई क्या हो सकता है, वाई आपका फोन रख दो नहीं तो क्लोरीन रख दो, बोलो भाई कोई दिक्कत। नो सर। अब देखो ये कैसे हाइड्रोजन बॉन्ड कैसे बनेगा, देखिए ये आपका H और ये F, ये H और ये F, अब बताओ क्या ये हाइड्रोजन फोन से जुड़ा हुआ है क्या? यस सर। यस सर। ठीक है ये हाइड्रोजन फोन से जुड़ा हुआ है और ये हाइड्रोजन भी तो फोन से जुड़ा हुआ है ना? यस सर। यस सर। यस सर। तो अब बताओ यहाँ पे ये हाइड्रोजन एक हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा, किससे जुड़ेगा वाई से, वाई क्या हो गया फ्लोरीन और ये फ्लोरीन तुम्हारा एच से जुड़ा हुआ, अरे बोलो वाई से जुड़ेगा गया कि नहीं? यस ये बॉन्ड को तुम हाइड्रोजन बॉन्ड बोलोगे। सिमिलरली ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन जो सेकेंड वाला हाइड्रोजन है ये हाइड्रोजन तुम्हारा फोन से जुड़ा हुआ है ना? यस सर। और इसके लिए ये वाई हो गया, इसके लिए ये वाई का लगा कि नहीं, तो ये भी एक हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा कि नहीं? यस सर। तो हाइड्रोजन बॉन्ड किसके कब बनेगा, हाइड्रोजन फोन से जुड़ा रहना चाहिए, फोन मतलब क्या हुआ, अरे हाईली इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम से जुड़ा होना चाहिए, ठीक है, और वो एक और दूसरे हाईली इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट से क्या होगा जाके जुड़ जाएगा, अगर उसका इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कम भी होगा तो चलेगा, ठीक है। खैर उतना कंसेप्ट क्या ध्यान रखो, तुम यही ध्यान रखो नहीं फोन नहीं तो क्लोरीन, ठीक है आसान भाषा में निपटाओ आगे बढ़ो। तो क्या नहीं समझ में आया, देखो फिर से समझाते हैं, यहाँ पे समझ में आ जाएगा, ये समझा इधर देखो, ये तुम्हारा हाइड्रोजन फोन से जुड़ा हुआ है ना, अरे फोन से जुड़ा हुआ है ना सर, और फिर ये हाइड्रोजन भी तो फोन से जुड़ा हुआ है, अब इनके बीच में अट्रैक्शन फोर्स लगेगा, और इसी को तुम हाइड्रोजन बॉन्ड बोलोगे, क्या बोलोगे हाइड्रोजन बॉन्ड बोलोगे। कैसे हम चेक किए हाइड्रोजन बॉन्ड है, तो देखो ये हाइड्रोजन फोन से जुड़ा हुआ है, ये वाला हाइड्रोजन फोन से जुड़ा हुआ है और इसके लिए ये क्या करेगा वाई का काम करेगा ना, और ये वाई क्या है, वाई भी तो एक फोन ही है ना,
तो हो गया नहीं, हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बन गया। Yes, ये वाई की जगह पे तुम कुछ और भी ले सकते थे, मतलब क्या जरूरी क्या फ्लोरीन ही ले, नहीं फ्लोरीन की जगह पे तुम और भी कुछ ले सकते थे, ऑक्सीजन भी ले सकते थे। फॉर एग्जाम्पल मान लो ये वाटर है और यहाँ पे तुम्हारा एच एफ है, क्या हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा? हाँ वही बनेगा, क्यों नहीं बनेगा, बन जाएगा। बनेगा बनेगा ना, देखो ये क्या हो गया, हो गया, और ये तुम्हारा क्या हो गया, ये तुम्हारा देखो ये हाइड्रोजन हो गया, ये हाइड्रोजन फोन से जुड़ा हुआ है, और इसके बगल में जो ये वाई है, ये वाई है, ये भी क्या है, हाइड्रोजन बॉन्ड। हाँ ये वाई भी हाईली इलेक्ट्रॉन, मतलब फोन ही है, ये भी क्या है, ठीक है। देखो ये हाइड्रोजन भी किसी एक और एफ से जुड़ जाएगा, अरे ये चेन की तरह चलता है, ये भी जुड़ जाएगा, ये भी तुम्हारा हाइड्रोजन ही जुड़ जाएगा, ये जुड़ते चलेगा, ठीक है। तो यही आपका हाइड्रोजन बॉन्ड हुआ। आया सब इच्छा समझ में? यस सर, क्या मैंने पूछा था। क्या पूछ, कोई कोई डाउट नहीं ना? अच्छा आपने पूछा था कांचा, आपने पूछा था। यस सर। अच्छा अरे तुम दोनों के नाम में मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ, समीक्षा कांचा, लास्ट इंड इंड सेम है ना, आकांक्षा के एस एच ए, मैं कंफ्यूज ही रहता हूँ। और तुम लोग का पढ़ने का मतलब एक होता नहीं है, नॉलेज भी लगभग बराबर ही है तुम लोगों में। चलो अब देखते हैं, इट इज नॉट फॉर्म्ड इन आयनिक कंपाउंड, ये बोल रहा है हाइड्रोजन बॉन्ड जो होगा ना आयनिक कंपाउंड में फॉर्म नहीं करेगा, ये जब भी फॉर्म करेगा ना तो कोवेलेंट कंपाउंड में। देखो क्या कर रहा है, कोवेलेंटली बॉन्डेड हाइड्रोजन एटम में, हाइड्रोजन बॉन्ड कहाँ आपको फॉर्म करेगा, वैसे हाइड्रोजन एटम में जो कि कोवेलेंट बॉन्ड बना रहा होगा, ठीक है, आयनिक बॉन्ड वाले में। आसान भाषा में वो छोड़ो ये सब भाषा, ये फोन याद रखना, फोन इज बस काम चल जाएगा तुम्हारा। अगला पॉइंट क्या कह रहा है, हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म इन पोलर कोवेलेंट, हाँ भाई पोलर कोवेलेंट बॉन्ड तो पोलर ही होगा ना, अरे पोलर बॉन्ड नहीं है क्या, एचएफ पोलर नहीं है क्या, पानी पोलर नहीं है क्या, यस सर, यस पोलर कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म करेगा। फिर क्या कह रहा है, इट इज वेरी वीक बॉन्ड, लेकिन ये क्या होगा, ये वीक है ठीक है, लेकिन वांडरवाल से स्ट्रॉन्ग होगा, वांडरवाल से क्या होगा, ये स्ट्रॉन्ग होगा, बोलो स्ट्रॉन्ग होगा कि नहीं, यस सर। और ये देखो अगर वांडरवाल की बात करें तो वांडरवाल में ये सबसे ऊपर वाला कैटेगरी पे जाएगा, यानी कि डाइपोल, डाइपोल वाला, देखो डाइपोल है कि नहीं, देखो एचएफ भी एक डाइपोल है ना, अरे क्या ये केवल हाइड्रोजन बॉन्ड ही बना रहा है क्या, नहीं हाइड्रोजन भी बना रहा है, डाइपोल भी बना रहा है, अरे डाइपोल भी तो होगा ना, यस सर, अरे डाइपोल डाइपोल वांडरवाल फोर्स नहीं होगा, यस सर। देखो ये तुम्हारा क्या था, एक एचएफ था, ये आपका एक एचएफ और ये दूसरा एचएफ, दोनों के बीच में क्या लगा, हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है, ये क्या है, हाइड्रोजन बॉन्ड, ये क्या है, एक डाइपोल है ना, ये भी क्या है, डाइपोल है, तो डाइपोल डाइपोल है तो एक डाइपोल डाइपोल वाला भी तो फोर्स लग गया ना, वांडरवाल फोर्स भी तो लग गया ना, तो अगर वांडरवाल के टर्म में बात करें तो डाइपोल डाइपोल लग रहा है कि नहीं इसमें, yes, तो यही लिखा हुआ है लास्ट पॉइंट आपका, इट इज वाली स्लाइड दिखा दीजिए, ये वाली सर, हमने डेल्टा प्लस और डेल्टा प्लस कर दिया एचओएस में, अच्छा यहाँ पे डेल्टा माइनस, क्लोरीन पे माइनस आएगा भाई, कुछ क्लोरीन पे माइनस आएगा ना, अरे भाई कुछ इग्नोर करके चलो तुम लोग, कुछ बातें को इग्नोर करके चलो, अरे यार देखो क्या क्या ओपन हो गया, चलो ठीक है, यस सर, यस सर, हैप्पी, अरे चलो ठीक है, अब बताओ इसका नाम क्या हो जाएगा, डाइपोल डाइपोल हो जाएगा ना, यस सर, इट इज आल्सो नोन एज डाइपोल डाइपोल अटैक्स, ठीक है। तो ये तो हो गया हाइड्रोजन बॉन्डिंग की कुछ कहानी, अब चलते हैं यहाँ पे कुछ इसके कंडीशन है, फिर इसके टाइप से पढ़ेंगे, इसका मेन टाइप ही है, देखो मेन कंडीशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, देखो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने के लिए पहला कंडीशन क्या लिख रहा है, ये अरे तो मैंने पहले ही बोला कि कोवेलेंटली बॉन्डेड होना चाहिए, और किससे जुड़ा होना चाहिए, फोन से जुड़ा होना चाहिए, ठीक है। फिर कह रहा है एटॉमिक साइज ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट शुड बी स्मॉल, हाँ भाई फोन का साइज तो स्मॉल ही होता है ना, अरे सेकंड है ना, तो इसका साइज तो ऑलरेडी स्मॉल है, ठीक है। फिर कह रहा है कि इसका इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा होना चाहिए, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा, देखो फ्लोरिन ऑक्सीजन इन लोग का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा है, अच्छा ये पॉइंट से तुम ये क्वेश्चन एक जनरेट हो जाएगा, कि किसका हाइड्रोजन बॉन्ड ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, एचएफ और एनएच, एचएफ और एनएच3 में किसका कौन ज्यादा स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा, एचएफ का,
एचएफ ज्यादा बनाएगा, ये ध्यान रखना, एचएफ ज्यादा हाइड्रोजन, एचएफ का हाइड्रोजन बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा, क्यों होगा, क्योंकि क्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, ज्यादा है, ठीक है। चलते यही अगला पॉइंट लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है कि स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और एटॉमिक साइज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। नाइट्रोजन में सबसे कम होगा, हाँ नाइट्रोजन में कम होगा, इन तीनों में कम होगा। अरे नाइट्रोजन का साइज बड़ा भी होता है ना एज कम्पेयर टू फ्लोरीन, लेफ्ट से राइट जाते हैं पीरियड में तो साइज घटता है, तो फ्लोरीन का साइज तो कम भी होता है, फ्लोरीन का साइज भी कम है और फ्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी ज्यादा है, दोनों फैक्टर को फेवर कर रहा है ना फ्लोरीन वाला, बोलो। तो ये रहा, अब आते हैं क्या ये हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा क्या, हाँ भाई बनाएगा, क्यों नहीं बनाएगा, देखो बनाएगा, क्यों बनाएगा, क्योंकि ये एसपी कार्बन एसपी है, कार्बन एसपी है, तो एसपी वाला तो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, तो हाँ भाई लो ये हाइड्रोजन बॉन्ड बन गया, ठीक है। यस सर। चलो अब आते हैं अगला 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 टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड। तो देखो हाइड्रोजन बॉन्ड दो तरह के हो, एक इंटर और दूसरा इंट्रा, एक इंटर और दूसरा इंटर। अच्छा इंटर मतलब क्या होता है, इंटर स्कूल, तुम लोगों का स्कूल में गेम होता होगा इंटर स्कूल कंपटीशन गेम वगैरह, क्या होता है इंटर स्कूल कंपटीशन में, एक ही स्कूल के बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं या दो अलग अलग स्कूल के, एक ही स्कूल, इंटर की मैं बात कर रहा हूँ सर, बहुत सारे स्कूलों का होता है, बहुत सारे स्कूल अलग अलग स्कूल पार्टिसिपेट करते हैं, वो मैथमेटिक्स का भी तो होता है ना, हंसिका का स्कूल में लग रहा है गेम में नहीं बता होगा, इंटर स्कूल जो होता है इंटर स्कूल कंपटीशन में दो अलग अलग स्कूल या मतलब एक से ज्यादा स्कूल पार्टिसिपेट करते हैं, और इंटर का मतलब क्या होता है, ये अंदर वाला मतलब एक ही स्कूल के मेंबर जो होते हैं ना वो पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है। अरे एक ही स्कूल के मेंबर के बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं इंट्रा में, तो सेम यही होगा क्या हाइड्रोजन बॉन्डिंग में भी, जैसा ही होगा। देखो इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग मतलब क्या हुआ, जो अभी तक हम जितना भी एग्जांपल लिए थे ना सारे इंटर मॉलिक्यूलर के थे, देखो एक ही मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहे थे क्या, नहीं तो अलग अलग मॉलिक्यूल नहीं था, यस सर हाँ अलग अलग मॉलिक्यूल था, यानी कि ये क्या हो गया, ये इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। इंट्रा मॉलिक्यूलर क्या हुआ, इसमें आपके एक ही मॉलिक्यूल के अंदर हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा, फॉर एग्जाम्पल देखना ये रहा, मान लो कुछ ऐसा रहा, ये OH है और यहाँ पे तुम्हारा मान लो NO2 है या फिर CO2, हाइड्रोजन हाइड्रोजन किसमें आए हो, कुछ ऐसा लिख लो, हाँ सर हाइड्रोजन हाइड्रोजन कहाँ हाइड्रोजन हाइड्रोजन है सर बना, तो फिर सर किसमें आएगा वो, हाइड्रोजन हाइड्रोजन में हाइड्रोजन बॉन्डिंग कैसे बन जाएगा, एक हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम से जुड़ेगा ना, हाइड्रोजन हाइड्रोजन से कैसे जुड़ जाएगा, इंटरमॉलिक्यूलर में आना चाहिए, हाइड्रोजन हाइड्रोजन नहीं जुड़ता है भाई, हाइड्रोजन किसी एटम कुछ किसी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से, हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होगा, अरे इसमें हो नहीं जाएगा हाइड्रोजन बॉन्डिंग, देखो अगर मान लो अगर यहाँ पे हाइड्रोजन 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 में नहीं होगा सर, हाइड्रोजन हाइड्रोजन में बॉन्डिंग सर, वो हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा कि नहीं बनेगा, नहीं हाइड्रोजन हाइड्रोजन में कैसे बनेगा, हाइड्रोजन को फोन से जुड़ा होना चाहिए, ये देखो ये हाइड्रोजन किस अगर मान लो इसको जुड़ेगा तो फिर ये फ्लोरीन से जुड़ेगा, हाइड्रोजन हाइड्रोजन से कैसे जुड़ जाएगा, अरे हाइड्रोजन में प्लस चार्ज है ना, ऐसे तुम चेक करना, ये प्लस ये माइनस ये प्लस और ये माइनस, हाँ ये प्लस और प्लस जुड़ जाएगा क्या, नो सर, तो कैसे क्वेश्चन पूछ रहे हो ओम सिंह, प्लस माइनस के साथ जुड़ता है, ठीक है, अरे बोलो, हाँ सर आ गया सर, तो यही बात हो गया भाई, क्या बात हो गया, नहीं सर आजकल यही बात हो गया भाई, अपोजिट चार्ज में के साथ अट्रैक्शन होगा ना, बॉयज का बॉयज से शादी करा दोगे ओम सिंह, चलो अब आगे बढ़ो, ऐसा नहीं करवाऊंगा क्या सर, ऐसा कैसे हो जाए, अनहोनी हो जाएगी, तो नहीं भाई तो तुम तो करा रहे हो ना भाई, प्लस को प्लस के साथ मिला रहे हो, कैसे हो जाएगा, प्लस को प्लस के साथ नहीं माइनस के साथ मिलाओ, ठीक है। चलो अब बताओ यहाँ पे कैसा हाइड्रोजन बॉन्ड होगा, ये तुम्हारा, अरे बोलो भाई, एक ही मॉलिक्यूल के अंदर हो रहा है ना, अरे एक ही मॉलिक्यूल के अंदर हो रहा है, यानी कि इंट्रा मॉलिक्यूलर नहीं हो गया, यस सर इंट्रा मॉलिक्यूलर हो गया, क्या हो गया भैया, इंट्रा मॉलिक्यूलर, इंट्रा मॉलिक्यूलर, ठीक है। चलो अब ये पढ़ते हैं, देखो इंटर मॉलिक्यूलर में तुम्हारा दो तरह के हैं, एक होमो और हेट्रो, वो एक होमो है और एक हेट्रो है, तो जो तुम ये एग्जाम्पल लियो ना ये क्या है, होमो इंटर मॉलिक्यूलर है, होमो मतलब क्या होता है सेम, देखो ये दो ये मॉलिक्यूल क्या है, ये अभी एचएफ है ये भी एचएफ है, अरे दोनों HF HF है ना, यस सर, HF HF है, यानी कि क्या हो गया, होमो इंटरमॉलिक्यूलर, होमो इंटरमॉलिक्यूलर मतलब क्या हो गया, दोनों
का मॉलिक्यूल सेम होना चाहिए। देखो फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये क्या है, ये HF, 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 तो होमो नहीं हो गया, सारे मॉलिक्यूल सेम। ये देखो ये क्या है, ये वाटर, ये क्या है, ये वाटर, ये वाटर, अरे सेम कंपाउंड, तो क्या हो गया, ये होमो हुआ कि नहीं। तो होमो इंटरमॉलिक्यूलर का मतलब क्या होगा, जिसके मॉलिक्यूल सेम है, मॉलिक्यूल क्या हो जाए सेम, मतलब जिससे जुड़ रहा है ना उसका मॉलिक्यूल सेम ही हो। और हेट्रो का मतलब क्या होगा, इसका ठीक उल्टा, जिसका मॉलिक्यूल अलग अलग हो। जैसे देखो ये क्या है, अल्कोहल है तो ये वाटर है, अरे अल्कोहल समझते हो, ये ROH हो गया, yes, sir, अल्कोहल बोलते हैं। और ये तुम्हारा वाटर हो गया OH2, इनके बीच में देखो ये हाइड्रोजन बॉन्ड बना, तो क्या हो गया, ये हेट्रो है, हेट्रो नहीं हुआ, एक अल्कोहल yes, एक वाटर नहीं हुआ, तो दोनों अलग अलग है ना, तो हेट्रो हेट्रो इंटर मॉलिक्यूलर। अरे समझ में आ रहा है हेट्रो का, हेट्रो में दोनों अलग अलग मॉलिक्यूल ले लेना, होमो में दोनों मॉलिक्यूल सेम ले लेना। बोलो भाई यहाँ पे तुमको, अरे किसी कोई दिक्कत, यहाँ पे तुम और ध्यान देना हो, एक पानी का मॉलिक्यूल मैं उठा रहा हूँ, ये मान लो एक पानी का मॉलिक्यूल, यस सर, ये देखो एक पानी का मॉलिक्यूल कितने हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है, जैसे तुम वहां पे वंडर वाल में पूछ रहे थे, एक ये, फिर यहाँ से जुड़ा है दूसरा, फिर इधर भी कुछ हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा होगा तीसरा, और फिर कुछ इधर भी बना रहा होगा, यानी कि चौथा, कितने बनाए, एक वाटर मॉलिक्यूल चार हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहे हैं ना, तो ये क्वेश्चन ध्यान रखना, एक वाटर मॉलिक्यूल चार हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते, कितने बनाएंगे, मैक्सिमम चार बनाएंगे, मैक्सिमम चार बनाएंगे, ठीक है सर, इसकी मिनिमम वैल्यू होती है। अरे मान लो तुम दो ही मॉलिक्यूल लेके आते हो, एक ही होगा, अरे मैं अगर मान लो तुम, वो तो तुम्हारे ऊपर डिपेंड कर रहा है ना, तुम कितने वाटर मॉलिक्यूल लेके पहुंच रहे हो, अगर तुम दो लेके जाओगे तो फिर कहां से चार बना देगा, ठीक है, मिनिमम एक, हाँ अब तुम वो डिपेंड करेगा ना आप कितने मॉलिक्यूल लेके चल रहे हो। अब ये करते हैं इंट्रा मॉलिक्यूलर, मिनिमम जीरो भी हो सकता है, मान लो तुम्हारे पास कोई मॉलिक्यूल ही नहीं है, एक ही मॉलिक्यूल लेके तुम बैठे हो। अब आता है अगला इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड, तो इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड मतलब एक ही मॉलिक्यूल के बीच में हो जाए, देखो सेमी मॉलिक्यूल में हो रहा है ना हाइड्रोजन बॉन्ड, सेमी में हो रहा है, एक ही मॉलिक्यूल में हो रहा है, एक ही मॉलिक्यूल में हो रहा है, बोलो, तो इंट्रा मॉलिक्यूलर हो गया ना। अब बताओ ये हाइड्रोजन ऑलरेडी इंट्रा मॉलिक्यूलर बना चुका है, अगर मैं इसके सामने FH यानी कि HF लेके आ रहा हूं, तो क्या ये हाइड्रोजन बॉन्ड यहाँ पे बनाएगा, क्या ये हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा, बोलो यस या नो सर, बनाएगा, नहीं बनाएगा, अगर बनाना ही रहता तो हम नहीं बोलते भाई पानी में जितना मन उतना बॉन्ड हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते, एक लिमिट है, लिमिट क्या है, एक हाइड्रोजन एक एक हाइड्रोजन एक हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा, देखो ना यहाँ पे क्या एक हाइड्रोजन एक से ज्यादा जुड़ गया है क्या, देखो तो हाँ यस सर सही कह रहे हो, एक हाइड्रोजन हमेशा एक ही से जुड़ रहा है ना, तो एक हाइड्रोजन एक ही हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है ना, हमेशा एक हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा, ऑलरेडी ये हाइड्रोजन इंगेज हो चुका है, ये हाइड्रोजन ऑलरेडी इंगेज हो चुका है, तो क्या एक और हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेगा क्या FH से, नहीं ना बनाएगा, ये हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनेगा भैया, नहीं बनेगा, अरे बोलो बनेगा क्या, नहीं बनेगा, अब ये हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बना, तो ठीक है ये तो हो गया कि तुम HF के साथ नहीं बन रहा है, लेकिन अगर अगर आपको भी पता है क्या एक ग्लास पानी में एक ही मॉलिक्यूल पानी में होते हैं क्या, नो सर, एक से ज्यादा होते हैं, तो अगर ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल अगर हम लेंगे, अगर एक बर्तन में मान लो ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल ले रहे हैं, तो एक ही मॉलिक्यूल नहीं होगा, वो तो बहुत सारे मॉलिक्यूल होंगे, yes, बहुत सारे मॉलिक्यूल होंगे, तो उसमें तो हाइड्रोजन बॉन्ड तो बनेगा नहीं, अरे उनके मॉलिक्यूल के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा, नहीं ना बनेगा, क्योंकि देखो आपको ही पता है इंट्रा मॉलिक्यूलर फोर्स ज्यादा मतलब फास्ट होता है, तो इंट्रा मॉलिक्यूलर अगर बनने वाला है तो ये तो पक्का बनेगा, इंटर तो इंटर बने या ना बने इंट्रा जरूर बन जाएगा, एंड मतलब ऐसे भी तुम सोच सकते हो ना कि भाई कोई गेम होता है, दूसरे स्कूल के साथ गेम हो या ना हो, अपने में तो तुम लोग खेल ही लेते हो स्कूल में, दूसरे स्कूल के साथ अगर कंपटीशन कराना, इंट्रा मॉलिक्यूलर और इंटर मॉलिक्यूलर में कौन ज्यादा स्ट्रांग होता है, इंटर, अरे ये पहले ये डायरेक्ट क्वेश्चन ऐसे मत पूछे, ठीक है ये तुम स्ट्रॉन्ग, ये डिपेंड करेगा, देखो इंट्रा तुम्हारा किस बेसिस पे तुम बोल रहे हो, फॉर एग्जांपल देखो इंट्रा मैं वीक इसलिए बोल दिया
क्योंकि इंट्रा में क्या हो गया ना, एक मॉलिक्यूल जो है वो अपने में हाइड्रोजन बॉन्ड बना लिया, अपने में हाइड्रोजन बॉन्ड बना लिया, तो ये क्या अपने दूसरे मॉलिक्यूल के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा? अगर इसका एक और मॉलिक्यूल हम ले ले यहाँ पे, मान लो इसका एक और ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल एक और लेके बैठे हैं यहाँ पे, ये ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल एक और है, ओ एन पी लिख दे रहे हैं, ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल, तो क्या उसके साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा? ये नहीं ना बनाएगा, अरे नहीं बनाएगा ना, तो आया। नहीं बनाएगा तो क्या उनके बीच में अट्रैक्शन फोर्स रहेगा ज्यादा? अरे सर बोलो समझ क्यों नहीं आ रहा। यस सर नहीं आ रहा? बिल्कुल इधर समझो, देखो ये तुम्हारा कोई, जैसे ये ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल है ना, मैं इसका इसी एग्जांपल को उठा ले रहा हूँ, इसी पे समझ में आ जाएगा। अगर सेम एक और मॉलिक्यूल मैं यहाँ पे लेके आया, आपको ही पता है भाई कि एक मॉलिक्यूल नहीं होता, एक मॉलिक्यूल से ज्यादा होते हैं, एक ग्लास पानी में एक ही मॉलिक्यूल नहीं होगा, बताओ, सेम मॉलिक्यूल है। अब क्या इन दोनों के बीच में इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा? अरे इंटर मॉलिक्यूलर नहीं ना ओके होगा, क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये हाइड्रोजन सर ऑलरेडी इंगेज है ना, ये हाइड्रोजन इंटर ऑलरेडी हाइड्रोजन बॉन्ड बना चुका है, ये हाइड्रोजन ऑलरेडी हाइड्रोजन बॉन्ड बना गया, तो इनके बीच में कोई भी इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होगा। अरे क्या नहीं होगा? इंटर वाला नहीं होगा। अब इंटर मॉलिक्यूलर नहीं होगा तो इनके बीच में क्या क्या कोई अट्रैक्शन फोर्स नहीं होगा? हाँ इंट्रा तो हो रहा है, अट्रैक्शन फोर्स इनके मॉलिक्यूल के बीच में अट्रैक्शन फोर्स होगा दो मॉलिक्यूल के बीच में? यस नहीं नो ना नो होगा, सर नो मॉलिक्यूल के बीच में अट्रैक्शन फोर्स नहीं होगा। तो अब बताओ, थोड़ा सा हीट दोगे तो ये वेपर बन के उड़ जाएगा कि नहीं? हाँ ये आराम से सर आराम से उड़ जाएगा ना। तो यही यही पॉइंट हुआ कि देखो, जब भी इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाएगा तो इंटर नहीं बनेगा, इंटर नहीं बनेगा तो उनके मॉलिक्यूल के बीच में अट्रैक्शन कम रहेगा, अट्रैक्शन कम होगा तो वो आसानी से बॉयल होके उड़ जाएगा, मतलब उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, बॉन्ड बहुत वीक बनेगा। बॉन्ड बहुत वीक हो जाएगा। ठीक है, बॉन्ड बहुत वीक हो जाएगा। अरे बोलो, समझ में आया? यस सर हाँ आ गया चलो आया ना। चलो तो अब यहाँ पे देखते हैं क्या क्या लिखा हुआ है। इट टेक्स प्लेस विथ, देखो ये मॉलिक्यूल के अंदर होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड विथ इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट। अरे वही हुआ है कि इलेक्ट्रोनिगेटिव से जुड़ा रहेगा, तो वही सब पॉइंट है जो जनरल में पढ़े। हाँ ये यहाँ पे एक चिलेशन पॉइंट दिया हुआ है, क्या लिखा हुआ है? चिलेशन, इसको समझना। चिलेशन का मतलब क्या होता है? जब भी इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड होगा तो एक रिंग बनेगा, देखो तो एक रिंग बन रहा है कि नहीं, अरे गोला टाइप बनेगा यस ना, सर एक क्लोज, तो उसी जो गोला टाइप बनता है ना उसको हम बोलते हैं चिलेश, चिलेट बोलते हैं, और उस प्रोसेस को क्या बोलेंगे? चिलेशन बोलेंगे। अरे क्या बना, एक चिलेट फॉर्म किया ना, एक रिंग फॉर्म किया, तो उसको हम क्या बोलेंगे? चिलेट। बोलो भाई, यस तो इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड चिलेट का फॉर्मेशन करेगा, इंटर मॉलिक्यूलर नहीं करेगा, इंटर वाला नहीं करेगा। ठीक है, अरे इंटर तो दूसरे से जुड़ रहा था ना, आपस में जुड़ेगा तब तो गोला बनेगा। बोलो, अरे किसी को नहीं समझ आया तो बोलेगा। हाँ बोलो ओम, क्या दिक्कत है? सर नहीं समझ में आया सर क्या नहीं समझ में आया, पॉइंट बोलो। सर इंतरा वाला तो कुछ आया ही नहीं अच्छा इंट्रा वाला नहीं, ये समझ में आया, इंट्रा मतलब अपने ही मॉलिक्यूल में मिल रहे, हाँ सर इतना आ गया अपने ही मॉलिक्यूल में जब तुम हाइड्रोजन बना लिए तो एक और मॉलिक्यूल तुम यहाँ पे लेके आओगे तो क्या उसके साथ ये बॉन्ड बनाएगा? नो सर नहीं नहीं बनाएगा बनाएगा। तो बॉन्ड नहीं बनाएगा तो इसका मॉलिक्यूल कमजोर हो जाएगा कि नहीं? यस सर हाँ तो मॉलिक्यूल कमजोर हो गया तो तुम थोड़ा सा टेम्परेचर दोगे तो ये उड़ जाएगा कि नहीं? उड़ जाएगा आराम तो से बॉइलिंग पॉइंट कम होगा कि नहीं? ये सर हो जाएगा और ये जब अपने ही मॉलिक्यूल में तुम बना रहे हो तो ये गोला टाइप बन रहा है कि नहीं, क्लोज पैक, हाँ ये सर तो गोला बन रहा है तो इसको चिलेट नहीं बोलेंगे? हाँ तो बस यही तो बोले, और कुछ कहाँ हाँ ये बोले? सर सॉरी ये सर हाँ अरे और किसी को कोई दिक्कत है क्या? अरे और किसी को नहीं ना दिक्कत है? चलो आगे बढ़ते हैं। अब इसका यूज क्या है? देखो हाइड्रोजन बॉन्डिंग में इसका यूज ही है जो कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बार बार आएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हाइड्रोजन बॉन्ड अगर किसी बच्चा को नहीं आ रहा तो समझो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री उसके लिए पढ़ना बहुत मुश्किल हो जाएगा, बहुत ज्यादा यूज होता है भाई हाइड्रोजन बॉन्डिंग का। देखो सबसे बड़ा इसका यूज क्या है, सोल्युबिलिटी। क्या बोलता है, अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग जिसमें ज्यादा होगा ना वो कंपाउंड ज्यादा सोल्यूबल होगा, अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनेगा तो वो क्या होगा, पानी में सोल्यूबल होगा। आपको पता होगा, अरे पोलर पोलर में घुलता है ना, यस सर पोलर पोलर में घुलता है, लेकिन यहाँ पे देखो क्या एक पॉइंट लिखा हुआ है, नॉन पोलर आर सोल्यूबल इन वाटर। कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड जो कि नॉन पोलर होते हैं फिर भी वो पानी में घुल जाते हैं,
क्यों भूल जाते हैं? क्योंकि उनमें होता है हाइड्रोजन बॉन्ड। क्या होता है भाई? हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से वो पानी में घुल जाते हैं। अरे कैसे पानी में? देखो पानी भी तो एक हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है ना, H। पानी हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाएगा? यस सर बनाएगा। अरे देखो ये हाइड्रोजन फोन से नहीं जुड़ा हुआ है, तो पानी में हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा ना। तो अगर कोई मान लो कोई मॉलिक्यूल है जो पानी के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है तो घुल जाएगा, पानी में डिजॉल्व हो जाएगा। ठीक है, देखो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखना, अगर तुमसे कोई पूछे कौन ज्यादा सोल्यूबल है, ये आपका क्या हो गया? ईथर हो गया। ये देखो ये सी एच थ्री ओ सी एच थ्री, मतलब क्या इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा? क्या इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा? सोच के बताना, क्या ये हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है? अरे कैसे बनाएगा? हाइड्रोजन कार्बन से जुड़ा है, हाइड्रोजन फ्यूज, अरे हाइड्रोजन फ्यूज से नहीं जुड़ा है क्या सर? इसमें तो हाइड्रोजन से बॉन्ड ही नहीं बनेगा। हाँ ये हाइड्रोजन फोन से नहीं जुड़ा हुआ है, ठीक है, तो ये हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनेगा। लेकिन ये हाइड्रोजन तो फोन से जुड़ा हुआ है, तो ये तो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा। ये सही, ज्यादा सॉल्युबल, ये हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा, इसलिए क्या होगा बताओ? कौन ज्यादा सॉल्युबल होगा? ये सॉल्युबल नहीं होगा ज्यादा? यही लिखा हुआ है कि दूसरा वाला ज्यादा सॉल्युबल है। क्यों सॉल्युबल है ज्यादा? क्योंकि इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है। ठीक है, और ये सब पॉइंट ध्यान से सुनना, समझना, नहीं समझेगा तो पूछ लेना, क्योंकि ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत परेशान करने वाला है। हाइड्रोजन बॉन्ड का जो एप्लीकेशन लिख रहा है ये बहुत परेशान करेगा अगर आपको नहीं आएगा। बता रहे हो, नहीं बता रहा हूँ। अरे तुमको समझ में आएगा तो तुमको क्यों डरना? जिनको नहीं समझ में आया उनके उनको लिए है ये। ठीक है, चलो अब ये देखना, ये तुम्हारा हाइड्रोजन, ये ऑक्सीजन, बताओ हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा? आपने क्या कहा, मैं लेफ्ट हो गई। अरे मैंने बोला कि ये तो उन बच्चों के लिए ना जो हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं पढ़े हैं। भाई तुम पढ़ लिए, तुम क्यों डर रहे हो? तुम क्यों डर रहे हो? तुमको तो समझ में आएगा, तुमको तो बहुत अच्छा लगेगा, तुमको बहुत आसान लगेगा, तुमको लगेगा ये तो मजा, ये तो बहुत ईजी है। ठीक है, ये है कंसेप्ट बहुत आसान है, टफ थोड़ी है। ये तो मैक्सिमम पढ़ रहे हो, ऑर्गेनिक में इसका मिनिमम यूज होगा, मैक्सिमम नहीं यूज होता, यूज होता है मिनिमम यूज होता है। ठीक है सर, ये जे एडवांस का कर रहे हैं ना, ये जे मेंस का? अरे ये क्वेश्चन क्या जे मेंस एडवांस? ये तो देखो कोई भी टॉपिक ये थोड़ी होता है कि भाई ये केवल मेंस में या केवल एडवांस में, वो तो डिपेंड करता है क्वेश्चन के लेवल पे ना। हर टॉपिक एडवांस में पूछा जा सकता है, हर टॉपिक मेंस में पूछा जा सकता है, ऐसा कुछ नहीं कि केवल एडवांस में पूछा जाएगा। हाइड्रोजन बॉन्डिंग मेंस में पूछे जाते हैं, ठीक है, एडवांस में पूछे जाते हैं, दोनों में पूछे जाते हैं। अभी तो देखना, ये हाइड्रोजन इंटरमोलिकुलर बन रहा है कि नहीं? अरे बन रहा है कि नहीं? अरे जल्दी जल्दी बोलो यार, 5 मिनट बचे हैं। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग यहाँ पे बन रहा है ना, अब बताओ ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन रहा है तो सोल्यूबल हुआ कि नहीं? बात खत्म। तो क्या कर, इट कैन फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड विथ वाटर मॉलिक्यूल, इसलिए क्या होगा ये पानी में घुल जाएगा, पानी में क्या होगा डिजोल्व हो जाएगा। ठीक है, अब बताओ इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ये बताओ ये सॉल्युबिलिटी घटा देगा कि नहीं? हाँ भाई घटा देगा, ये तो पानी के साथ, अरे ये ऑलरेडी हाइड्रोजन बॉन्ड बना लिया है ना, ये अपने में ही हाइड्रोजन बॉन्ड बना लिया, तो ये पानी के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा? नो सर, ये तो ऑलरेडी इंगेज है, तो पानी के साथ तो इंगेज, ये हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा नहीं, तो इसलिए पानी में डिजोल्व नहीं होगा। ठीक है, अगर इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन रहा है, इंट्रा मॉलिक्यूलर, तो वो क्या होगा? पानी में डिजोल्व नहीं करेगा। बोलो आया समझ में? जो यहाँ पे लिखा भी था, क्या लिखा था? नॉट फ्री फॉर अदर मॉलिक्यूल, इसका हाइड्रोजन दूसरे मॉलिक्यूल के लिए फ्री नहीं, ये आपस में ही इंगेज हो चुका है। अच्छा, एक विस्कोसिटी है, विस्कोसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग का, मतलब जिसमें ज्यादा, जितना ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग उसका विस्कोसिटी ज्यादा। अच्छा ये बताओ, पानी और पेट्रोल, विस्कोसिटी जैसे देखो हम एक चाशनी बनाए, अरे चीनी का चाशनी बनता है ना, तो चाशनी जो बनता है वो गाढ़ा होता है ना, चाशनी गाढ़ा होता है एज कम्पेयर टू पानी, तो जो जितना गाढ़ा है ना उसको हम क्या बोलेंगे, वो कंपाउंड या वो जो भी चीज है, क्या है? सुनो जो जितना ही ज्यादा मतलब गाढ़ा होगा ना उसको हम बोलेंगे वो कंपाउंड क्या है, विस्कस है। ठीक है, अरे विस्कस है मतलब विस्कोसिटी उसका बढ़ गया। जैसे तुम्हारा क्या है, एक मोबिल है और एक तुम्हारा पेट्रोल, जिसकी डेंसिटी ज्यादा है, हाँ जिसकी डेंसिटी ज्यादा उसकी विस्कोसिटी ज्यादा। अब तुम बताओ ना, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनेगा तो अट्रैक्शन बढ़ रहा है, अट्रैक्शन बढ़ रहा है तो डेंसिटी बढ़ जाएगी नहीं? यस बढ़ जाएगा, डेंसिटी बढ़ जाएगा तो विस्कोसिटी बढ़ नहीं जाएगा? यस सर। अब देखो, अब देखते हैं इसमें किसमें ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा। देखो यहाँ पे 3 हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है,
यहाँ पे दो और यहाँ पे एक, तो सबसे ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्ड लास्ट वाले में, तो सबसे ज्यादा विस्कोसिटी लास्ट वाला का होगा कि नहीं? यस सर। यहाँ पे देखना, यहाँ पे जो वाटर है, ये एक वाटर तुम्हारे चार हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा था ना, लेकिन यहाँ पे यस क्या है, ये सर। अल्कोहल है, तो कौन ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा? वाटर। वाटर। तो इसलिए इसका विस्कोसिटी ज्यादा होगा कि नहीं एज कम्पेयर टू अल्कोहल? हाँ तुमको भी पता यस है यार, सर। अल्कोहल तो लेस विस्कस रहता है, तभी तो ये आसानी से उड़ जाता है। और ईथर का सबसे कम हो जाएगा, बोलो भाई, ईथर का सबसे कम हो जाएगा ना? अरे ईथर तो हाइड्रोजन बॉन्ड ही नहीं बना रहा था, भूल गए क्या? यस सर। हाँ यस सर। अल्कोहल तो एटलीस्ट एक हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है ना, यहाँ पे दो हाइड्रोजन है बॉन्ड बनाने के। चलो अब आगे बढ़ते हैं। मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, ये हमने पढ़ ही लिया था क्या? हाइड्रोजन बॉन्डिंग के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था ना, यस सर। हाइड्रोजन बॉन्डिंग के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट। अब इधर देखना, जल्दी 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 से निपटाओ यार, क्लास में ज्यादा टाइम नहीं है हमारे पास। H2O में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा, इसमें कम और इसमें तो होगा ही नहीं, तो बताओ सबसे ज्यादा पानी में हो रहा है, तो बताओ सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा, पानी का होगा कि नहीं? अरे बोलो। यस सर। अच्छा इसमें लास्ट वाला क्वेश्चन देखो, ये बताओ ये इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड होगा, लेकिन इन सब में हाइड्रोजन बॉन्ड हो सकता है क्या, तुम बताओ तो? नो सर। नहीं सर। नहीं नहीं होगा, क्यों? क्योंकि ये फोन से जुड़ा हुआ नहीं है, तो इन सब में हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होता, इसमें तुम क्या चेक करोगे इनका? तुम वांडरवाल फोर्स चेक करोगे ना, और इन सब के लिए क्या होगा, वांडरवाल सर। फोर्स ही चेक करोगे ना, और वांडरवाल फोर्स क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल साइज मास के था कि नहीं? यस सर। अरे वांडरवाल फोर्स मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था। तो अब बताओ आयोडीन का मास ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू ब्रोमीन, सबसे कम क्लोरीन, तो आयोडीन का मास ज्यादा है तब ब्रोमीन तब क्लोरीन, तो इसलिए सर बॉइलिंग पॉइंट। क्लोरीन तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, आपने लिखा था ऊपर। यस अरे क्लोरीन वो वाई का काम कर रहा था तब, अरे वो वाई का सर। ओके सर। भूल गया, ये फोन वो फोन डाइपोल में लुसेंट, था। अरे ये क्या था, इधर फोन था और केवल सीसी ट्रिपल बॉन्ड था, एक्स क्या था, फोन और सीसी ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है? तो बताओ ये समझ में आया? यस सर। सिमिलरली अब अगले क्वेश्चन में आओ, इस क्वेश्चन में आओ, देखो यहाँ पे भी ये हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा ना, लेकिन ये लोग तो हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाएंगे, नो सर। अब ये हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाएंगे तो इनका क्या चेक करोगे, इनका तो तुम वांडरवाल फोर्स चेक करोगे ना, वांडरवाल फोर्स, और वांडरवाल फोर्स क्या होता है, अरे ओम सिंह से टीपो, साइज देख लो, साइज इसका सबसे कम, फिर ओम सिंह से टीपो, तो टीपो यानी कि टी का साइज सबसे ज्यादा है ना, तो टी का साइज सबसे ज्यादा है, तो वांडरवाल फोर्स सबसे ज्यादा टी का नहीं होगा? और हम जानते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड तो वांडरवाल में कोई कंपेयर ही नहीं है, तो हाइड्रोजन तो जीत ही जाएगा ना, बोलो यस सर। समझ गया? लेकिन यस इसको आप एक्सेप्शन के तौर पे याद कर लेना, यहाँ पे देखो इसको सबसे, देखो यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है ना, तो इस हिसाब से सबसे आगे इसको रहना चाहिए था, लेकिन आप देख रहे हो एक वांडरवाल है, मतलब बाकी देखो ये नॉर्मल ट्रेंड ही है, नॉर्मल ट्रेंड रखे कैसे, पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया सब बी के, तो साइज तो सबसे बड़ा इसी का है, एस बी का, तो ये देखो क्या एक्सेप्शन क्या आ गया, इसको आना चाहिए था सबसे पहले, NH3 को आना चाहिए था सबसे पहले, लेकिन NH3 सेकंड में आ गया, क्यों? क्योंकि अभी हमने पढ़ा था कि अरे NH3 में का हाइड्रोजन बॉन्डिंग वीक होता है ना एज कम्पेयर टू पानी और HF से, अरे इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी कम है ना, तो इसका हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है लेकिन वीक बनाता है ना, यस अरे इसका हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होगा, वीक होगा, इसलिए ये क्या हो गया एक्सेप्शन के तौर पे, मतलब SbH3 से नीचे आ गया, ठीक है? अरे बोलो, और हम ये क्या निकाल रहे हैं, अरे बॉइलिंग पॉइंट बता रहे हैं, क्या बता रहे हैं, बॉइलिंग पॉइंट, बोलो समझ में आया? अरे यस सर। बिल्कुल बोलो भैया। जल्दी जल्दी बोलो, चलो समझ में आ गया। अब ये लास्ट एक पॉइंट है, देखो हाइड्रोजन बॉन्ड जहां बनेगा तो मॉलिक्यूलर वेट बढ़ जाएगा, क्यों बढ़ जाएगा, तो देखो देखो क्यों बढ़ जाएगा, ये तुम्हारा पहला मॉलिक्यूल और ये तुम्हारा दूसरा मॉलिक्यूल, बताओ इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है कि नहीं, हाइड्रोजन बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड, अरे बॉन्ड बना ना हाइड्रोजन बॉन्ड, अब बताओ ये हाइड्रोजन बॉन्ड बना ना, ये क्या है, ये तुम्हारा एक एसिड है ना, अरे यस कार्बोक्जेलिक एसिड है कि नहीं, तो कार्बोक्जेलिक एसिड, ये बोल नहीं बोलना चाह रहा है कि कार्बोक्जेलिक एसिड जो होता है ना डाइमर का फॉर्मेशन करता है, क्या करता है, डाइमर के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, चूंकि ये डाइमर के फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा तो बताओ उसका मॉलिक्यूलर वेट जो होगा उससे दुगुना नहीं हो जाएगा, अरे देखो डबल लिखा हुआ है, मॉलिक्यूलर वेट बोलो भाई, डबल नहीं हो जाएगा, तो क्यों डबल हो गया मॉलिक्यूलर वेट, क्योंकि वो डाइमर का फॉर्मेशन करता है, कौन डाइमर का फॉर्मेशन करता है, तो कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड क्या होता है, ये होता है कार्बोक्सिलिक एसिड, RCOOH,
ये डाइमर के फॉर्म में आपको एग्जिस्ट करेगा, ये जब आपको मिलेगा ना तो क्या होता है वो डाइमर के फॉर्म में आपको मिलेगा, तो डाइमर के फॉर्म में मिलेगा तो ऑब्वियस ही बात है क्या होगा उसका मास दुगुना नहीं हो जाएगा। अरे बोल समझ में आ रहा है, डायमंड के फॉर्म में क्यों मिला, क्योंकि ये हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। अरे बोल क्यों नहीं रहे तुम लोग, यस सर आ रहा है ना, ओके। और ये है आपका लास्ट, यस ये लास्ट है स्लाइड, हाइड्रोजन बॉन्ड का देखो क्या कह रहा है, H2O लिक्विड है, H2O क्या है लिक्विड है और H2S गैस है, तो H2O लिक्विड है, क्यों लिक्विड है तो बाय द H2O में हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा कि नहीं, इसमें क्या बनेगा, लेकिन H2S में हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा नहीं, इसमें नहीं बनेगा, तो हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनेगा तो भाई इसके मॉलिक्यूल दूर दूर रहेंगे, दूर दूर रहेंगे तो ये गैस हो गया, अरे गैस हो गया कि नहीं, yes, sir. और एक एक तुम ये बताओ, जब पानी को हम बर्फ बनाते जमाते हैं तो पानी का वॉल्यूम बढ़ जाता है कि नहीं, yes, बर्फ बनाते हो वॉल्यूम क्या, देखो जब वाटर को आइस का आपको मालूम होना चाहिए, आइस जो होता है उसका वॉल्यूम ज्यादा होता है, चूंकि वॉल्यूम ज्यादा होगा तो डेंसिटी कम होगा, वॉल्यूम ज्यादा होता है तो डेंसिटी कम होगा, अरे आइस आइस क्यूब को अगर तुम पानी में रखोगे तो आइस क्यूब ऊपर फ्लोट करता है, फ्लोट करता है ना, तो कारण क्या है आइस क्यूब फ्लोट होने का कारण क्या है, तो कारण क्या है कि आइस क्यूब जो है मतलब हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा, देखो हाइड्रोजन बॉन्ड बना, ये हाइड्रोजन बॉन्ड, ये हाइड्रोजन बॉन्ड, ये तीसरा हाइड्रोजन बॉन्ड और ये चौथा, बोलो बन गया। अब आपको यहाँ पे दिख रहा होगा एक खाली जगह दिख रहा है जिसको हम वॉइड बोलेंगे, इस खाली जगह में क्या होगा गैस ट्रैप हो गया, अब बताओ गैस ट्रैप हो गया तो हल्का हो गया कि नहीं, वॉल्यूम बढ़ गया कि नहीं, ये खाली जगह देखो हाइड्रोजन बॉन्ड जब बनता है ना तो ये क्या बनता है, केज लाइक, एक देखो ना पिंजरा की तरह नहीं लग रहा है, एक पिंजरा की तरह नहीं लग रहा है कि चारों तरफ से हाइड्रोजन बॉन्ड बन गया और बीच में चिड़िया फंस गया, चिड़िया फंस गया भाई, एक क्या है एक केज लाइक स्ट्रक्चर। तो कोई पूछे कि भाई आइस जो है फ्लोट क्यों करता है, तो फ्लोट इसलिए करता है क्योंकि वो जब हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है ना तो उसका एक केज लाइक स्ट्रक्चर बनता है जिसमें क्या होता है एक खाली जगह में होता है जो जिसमें गैस ट्रैप हो जाते हैं, और इस खाली जगह को हम क्या बोलते हैं वॉइड बोलते हैं, ठीक है। तो देखो यही पॉइंट यहाँ पे लिखा हुआ है, क्या लिखा है वॉल्यूम ऑफ आइस, आइस का वॉल्यूम क्या है ज्यादा है, क्यों ज्यादा है क्योंकि ये केज बनाता है, केज लाइक स्ट्रक्चर बनाता है, क्यों बनाता है केज, क्योंकि वो हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। H2O क्या होता है सॉलिड, और वो क्या हो जाएगा सॉलिड हो गया ना भाई, आइस क्यूब सॉलिड हो गया, ठीक है हाइड्रोजन बॉन्ड बना सॉलिड हो गया, और ये क्या हो गया, ये कितने हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं तो 4 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं, ये हम पहले ही डिस्कस कर चुके थे, किसी को ये नहीं समझ में आया हो तो बोलेगा। क्लास का रिकॉर्डिंग ऑफ किया जाए, अरे बोलो yes, किसी को नहीं समझ में आया तो पूछ ले, ये केज लाइक स्ट्रक्चर हाइड्रोजन बॉन्ड ये कुछ भी, ठीक है चलो रिकॉर्डिंग ऑफ करते हैं फिर। अच्छा पानी का मैक्सिमम डेंसिटी कितने पे होता है, किसी को ये पता है?